सभी 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 को गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आइए सभी लोग, टाइम हो गया है, सभी लोग आइए जल्द से जल्द। तो आपको पता है कि करंट अफेयर का क्लास होने वाला है और आज हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे कल मैं सोशल इश्यू के मुद्दे पर चर्चा किया था, वैसे ही आज कई सारे मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा करंट अफेयर में ही। और इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी बहुत सारी स्टेट स्टेट पीसीएस का मेंस भी चल रहा है, कई जगह इंटरव्यू भी चल रहा है, तो इन सब चीजों को लेके करंट अफेयर पे थोड़ा मैं फोकस कर रहा हूँ इस समय। और जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, अब जीएस के पेपर्स के हिसाब से, चाहे इंटरव्यू के हिसाब से, चाहे आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, सब में इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे, ठीक है। वो भी सोशल इशू के मुद्दे कुछ लेटेस्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, आज इंटरनेशनल रिलेशन के भी कुछ मुद्दे पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाया था, क्यूबा वूबा भी पढ़ाया था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, सभी लोग, टाइम हो गया है, सब लोग आए जल्द से जल्द आए, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। तो आज हम बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। ये क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, जिसमें इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं वो इस समय अवेलेबल हैं, किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपने सीधे टॉपिक पे आऊँ, ठीक है। जल्द से जल्द सभी लोग आइए, क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, ठीक है। और भी बात करते हैं, डेली लाइव क्लास, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे लाइव क्लास ही मैं ले रहा हूँ, सीधा प्रसारण हो रहा है आपका। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास चलेगा मतलब सीधा प्रसारण होगा आपका। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, ठीक है। जैसे मैंने ऑफलाइन क्लास चलता था वैसे ही आपका यहाँ पे ऑनलाइन वही सारी सुविधाएं वही मिलेंगी, ऑनलाइन में और अच्छे तरीके से मिलेंगी। दोनों में डिफरेंस क्या था कि ऑफलाइन में अगर एक बार क्लास आपने कर लिया, दोबारा क्लास नहीं कर पाते थे। अगर सपोज अगर किसी कारणवश आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे थे तो क्लास दोबारा कर नहीं पाते थे, लेकिन ऑनलाइन में तो क्लास लाइव भी मिलेगा आपको, इसके साथ ही साथ जब नहीं भी किसी कारणवश देख पाएंगे तो वो आप बार बार भी देख सकते हैं, वो मोबाइल में स्टोर हो जाएगा आपके, बार बार देख सकते हैं, ये बेनिफिट है आपका। तो लाइव क्लासेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे आपके, लाइव टेस्ट एंड क्विज भी मिलेगा, टेस्ट और क्विज दे के अपने एरर्स को, कमियों को दूर करने का आपको मौका मिलेगा, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी क्लास, जैसे मैंने कहा कि लाइव क्लास किसी कारणवश अगर आप नहीं भी ले पाते तो वो लाइव क्लास आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और स्टोर हो जाएगा तो फिर देखिए बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये अनअकैडमी का खूबसूरत सा ऐप है, ठीक है, अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए, देर किस बात की है, करिए डाउनलोड। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस ही किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर चल रहा है और एंशिएंट इंडिया चल रहा है, लेकिन दोनों चल रहा है साथ साथ, तो दोनों का आनंद आप लोग लीजिए, ठीक है। एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर कभी देखा जाएगा कभी और, ठीक है। चलिए तो आज हम करंट अफेयर में ही बात करेंगे, और ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, इसका बेनिफिट मैं बता देता हूँ, जल्द से जल्द सभी लोग आओ पहले, ठीक। इसका बेनिफिट यही है कि जिस क्लास, जैसे आपका टेलीग्राम के लिंक पे मैं क्लास का पीडीएफ भी दे देता हूँ, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का एवरीथिंग आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करते रहिए, और जब भी क्लास मेरा होता है तो उसका पीडीएफ, डेट, टाइमिंग सब कुछ इसी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कोई भी सूचना देनी होगी मैं इसी को पकड़ूंगा टेलीग्राम को, तो आप लोग हमेशा टेलीग्राम चेक करते रहे। ये अनअकैडमी का ही टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी प्रिंसिपल के नाम से सर्च करेंगे मिल जाऊंगा मैं आपको। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर जो है ना, वो अनअकैडमी पे इस समय अवेलेबल है। और वैसे भी कोरोना महामारी में क्या कहना, जितने लोग हैं सभी लोग घर बैठिए और आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब टॉप एजुकेटर यहाँ पे अनअकैडमी में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए और एजुकेटर से पढ़िए, एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर इन एजर सब्सक्रिप्शन अवेल, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी एक एजुकेटर हूँ, मैं भी प्लस एजुकेटर हूँ, यूपीएससी सीएससी का प्लस एजुकेटर हूँ, उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी पढ़िए, बस पढ़िए, ठीक है। यूपीएससी सीएससी की बात अगर हम लोग करें तो यूपीएससी सीएससी में जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल कोर्स के सब्सक्रिप्शन है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सब्सक्रिप्शन है, आर्ट एंड कल्चर के सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर के सब्सक्रिप्शन है, इंडियन इकोनॉमी प्रैक्टिस स्टडी आंसर राइटिंग कोर्स, ये सारे सब्सक्रिप्शन है। किसी में भी आप इनरोल करा के अपने क्लास को रेगुलरली कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्लास करते रहिए आप लोग।
के बारे में देख लेते हैं। दो तरह के प्लान है, प्लस है दूसरा आइकॉनिक है। प्लस प्लान की बात अगर बात करूं तो 1 महीने का भी है, 3 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। 1 साल की बात किया जाए तो 49,500 फी है, आफ्टर डिस्काउंट है 44,550। ठीक है, कोड यूज करना है PG01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा और आफ्टर डिस्काउंट जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 44,550। ऐसे ही 2 साल 3 साल सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बेनिफिट क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगा, सीधा प्रसारण मिलेगा। सीधा प्रसारण में होगा क्या, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, कुछ पूछना हो कमेंट के माध्यम से आप हमसे रूबरू हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लासेज आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी प्लस में। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक आइकॉनिक का प्लान है, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आगे भी देख लेते हैं आइकॉनिक का, थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। तो ये चारों के चारों मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर आपके मिलेंगे जो आपको समझाएंगे, जो आपको बताएंगे, जो ये भी बताएंगे कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से आपको वो गाइड करते रहेंगे। ठीक है, और एक पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपके घर वालों को भी फीडबैक दिया जाएगा, देखो बेटा आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है सही तरीके से, मैं इसको पर्सनली ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें होंगी एक आइकॉनिक में। ठीक है, तो चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक है, अपने सुविधा अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। ये है ऑप्शनल कोर्स, आपको पता है वैकल्पिक विषय भी लेना होता है। ठीक है, जो तो वैकल्पिक विषय जो होता है वो 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का, कोई भी ले सकते हैं, एक ही लेना होता है। तो 1 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 12 महीने का है, 24 महीने का और 36 महीने का। तो 1 साल का अगर बात किया जाए तो 27,500 फी है, कोड यूज करेंगे PG01, 10% डिस्काउंट, और आफ्टर 10% डिस्काउंट की बात इतना तो सी सेट आप लोग पढ़ते ही होंगे, 24,750 इसका चार्ज पड़ेगा। ऐसे ही 2 साल का, 3 साल का, ये कोड कहीं पे भी यूज हो सकता है, PG01। आपको पता है खान अकेडमी द्वारा कॉम्बैट चलाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है, आपको अपनी पोजीशन पता चल जाएगी, कितनी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो अन अकेडमी के कॉम्बैट से जुड़िए, 6 दिसंबर से कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है, अब 13 दिसंबर को नहीं हुआ था क्योंकि हर अल्टरनेट संडे को होता है। तो 20 दिसंबर को ये डेट याद रख लो बेटा, 20 दिसंबर को दिन में प्रातः 11 बजे प्रातः आपका कॉम्बैट होगा। क्या होगा बेटा? कॉम्बैट होगा, 45 मिनट का टेस्ट होगा, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन होंगे, ये सब चीजें चलेंगे, अल्टरनेट संडे को चलेगा। तो 20 दिसंबर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आइए 20 दिसंबर को सबमिट टेस्ट दीजिए। तो देखिए, द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटलियन हियर। ठीक है, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फ्री में है, कुछ चार्ज नहीं है आपका। ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग आपको खुद पता चल जाएगी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सब एक से एक क्वेश्चन सेट किए गए हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, देर किस बात की, कॉम्बैट में जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और पार्टिसिपेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है, फिर अगला 20 दिसंबर को है, जो मैं कह रहा हूँ 20 दिसंबर 2020 को है, 20 20 20, सोचो ये भी हो गया। और टाइमिंग जो है 11 बजे दिन में है, 45 मिनट के क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट लगेंगे, 13 कॉम्बैट चलेगा, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, फॉर्नाइट कंस्टेंट होगा, अल्टरनेट संडे को, जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ प्राइज भी दिया जाएगा, देखिए लो बेटा, टेस्ट देंगे तो प्राइज मिलेगा, किसको मिलेगा, सबको भी मिलेगा या कुछ ऐसा भी है। तो फर्स्ट रैंक अगर आता है तो एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड रैंक आता है तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा, थर्ड रैंक रहेगा तो एप्पल का एयरपॉड मिलेगा, और फोर्थ रैंक रहेगा तो फोर्थ नहीं, टॉप 100 स्टूडेंट को, टॉप 100 रैंक में अगर कोई आते हैं तो 1,000 रुपये का अमेजन का वाउचर मिलेगा। अगर किसी को देना होगा तो मुझे वापस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मिलेंगी, खैर अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा मानना है कि बेटा अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें। देखो डरना नहीं है, जितने भी लड़के हैं अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन से नहीं डरना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इतना तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आप लोगों को करंट अफेयर के माध्यम से, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और अच्छे से तरीके से करना। कंपटीशन में बैठे हो तभी खेलना सीखो, समय लगेगा थोड़ा, चीजें गलतियां होंगी, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जब जिस दिन आप परिपक्व हो जाएंगे, पूरी तरीके से सब कुछ पढ़ लेंगे, तो आपको देखना आप बिना कुछ कहे ही सब कुछ सही तरीके से खेलोगे आप लोग। ठीक है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए और हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो टॉपिक पे आते हैं इजराइल भूटान संबंध। आज का पहला इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक होगा इजराइल और भूटान का संबंध के बारे में। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट, कोई डाउट है किसी को? सभी लोग आ गए हैं, बहुत सुंदर। बेटा 1 मिनट रुक जाइए, बस इजराइल भूटान संबंध, बस 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, बस प्लीज 1 मिनट वेट।
चलिए सॉरी मैं आ गया। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इजराइल और भूटान के संबंध। ठीक है, तो इजराइल और भूटान, बेटा भूटान की राजधानी क्या है बता सकता है कोई? भूटान की राजधानी क्या है और इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? कोई भी, कोई ऐसा है महारथी जो बता सके मुझे? एक एक चीज मैं पकड़ पकड़ के आप लोग पढ़ाता हूँ, कई बार पढ़ाया भी हूँ। मोदी जी तो गए थे खेती सीखने, कृषि। हाँ चलो, तो आज का चलो आते ही मैं क्वेश्चन चालू कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इतने दिन से पढ़ा रहा तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तभी तो टू वे कम्युनिकेशन होगा। बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक जो है हमारा इजराइल और भूटान संबंध है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इजराइल की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, पहले यही बताओ, राजधानी ही चलो बता दो। ठीक है, क्या संबंध होंगे पहले सब कुछ तो बताऊंगा ही। जो सिंपल चीजें हैं इसराइल और भूटान के संबंध जो है, रिलेशंस हैं जो बताए जाएंगे, लेकिन इसराइल की राजधानी क्या है और भूटान की राजधानी क्या है बताइए कमेंट करके। चलिए देखते हैं क्या है कि हाल ही में इसराइल ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। बहुत अच्छी बात है, संबंध स्थापित भी होने चाहिए, भाई सबके एक दूसरे से संबंध होते हैं, तो इनके भी संबंध है। तो अभी क्या हुआ है कि इजराइल और भूटान के बीच जो राजनयिक संबंध स्थापित अभी रिसेंटली किया गया है, क्या किया गया है, क्यों किया गया है, क्या कारण था, क्या हुआ है, इसके बारे में हम पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। पहले ये जानिए कि इजराइल और भूटान के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ दोनों देशों के बीच संबंधों में यह जो प्रगति हुई है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में इसराइल और मोरक्को द्वारा आपसी संबंध सामान्य करने की सहमति के 2 दिन बाद सामने आई है। फिर आ गया देखो अमेरिका, अभी सुनाया था ना मैं क्यूबा को बाहर किया गया है, अभी हाल ही में पढ़ाया था जो उसके ऊपर आज तक लगा हुआ था, रोक लगी हुई थी, उसको बाहर किया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली अभी हाल ही में पढ़ाया हूँ बेटा, भूलो मत आप। तो फिर देखो संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, तो दोनों देशों के बीच में यह जो प्रगति हुई है, यह जो प्रोग्रेस हुआ है इजराइल और भूटान के संबंध के बीच में, जो राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, वो तब हुआ है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल और मोरक्को द्वारा आपसी संबंध सामान्य करने की सहमति के 2 दिन बाद सामने आई है। इसके साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात, ये भी है देखो, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीनों में इसराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाया है। तो अच्छी बात है, शांति के लिए अगर कोई कदम बढ़ा रहा है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि इसराइल भूटान के संबंध स्थापित किए गए हैं, राजनयिक संबंध स्थापित किए गए हैं। पहले अमेरिका बीच में लीडिंग आया है क्योंकि वो अपने आप को तानाशाह वैसे भी समझता है अमेरिका, कि हम ही सब कुछ हैं, बाकी लोग तो हमसे परमिशन लें। तो अमेरिका द्वारा के नेतृत्व में इसराइल और मोरक्को के बीच में जो संबंध स्थापित किए गए, उसके 2 दिन बाद इसके साथ संबंध स्थापित हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सूडान के बाद मोरक्का चौथा अरब ऐसा अरबिया देश ऐसा है, अरब देश ऐसा है जिसने 4 महीनों में इसराइल के साथ शत्रुता को समाप्त करके शांति के लिए कदम उठाए हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? क्योंकि शत्रुता कितने दिन चल सकती है, शत्रुता के बारे में कई बार पढ़ा चुका हूँ, सिप्री की रिपोर्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। कितने हम हथियार खरीदते हैं, किन किन देशों से, कौन कौन ऐसी कंपनियां हैं और कहाँ कहाँ की वो कंपनियां हैं, इससे ही पता चल जाता है कि कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है। हमको भी बेचते हैं सब, अमेरिका जो देश है हमको भी बेचेगा, पाकिस्तान को भी बेचेगा, दोनों को लड़ाएगा, हम लोग खरीदेंगे, उनका पैसा मिलेगा, उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, वो व्यापार करेंगे, वो अपना औद्योगिकरण करेंगे, और हम क्या करेंगे। इसलिए चीजें बेटा शांति से ही, अगर किसी देश में शांति अमन चैन है, देश तो अपने आप तरक्की करेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। आगे तो मैं बताऊंगा ही सारी चीजों को। तो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को ऐसा चौथा अरब देश है जिसने इसराइल के साथ पिछले 4 महीने के दौरान शांति के लिए कदम बढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या प्रमुख बिंदु है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि जानना जरूरी है भाई। अगर राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं इसराइल और भूटान के बीच में, तो इसके पीछे के बैकग्राउंड तो जाने हम लोग, कि दोस्ती अगर ये हुई है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये भी जाने हम लोग। चलो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। इसराइल ने वर्ष 1982 से भूटान के मानव संसाधन विकास का समर्थन किया है और विशेष रूप से कृषि विकास के क्षेत्र में, जिसके चलते भूटान के सैकड़ों युवा लाभान्वित हुए हैं। यही मुद्दा है, हमारे भी पीएम साहब गए थे खेती सीखने, खेती सिखाया गया था उनको, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब सिखाया गया था वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इजराइल ने 1982 से भूटान के मानव संसाधन विकास का समर्थन किया है
और विशेष रूप से कृषि के विकास के क्षेत्र में, जिसके चलते भूटान के सैकड़ों, जो जाहिर सी बात है युवा जब कुछ सीखेंगे, कुछ यूथ सीखेगा, कुछ टेक्नोलॉजी सीखेगा, किसी देश से कुछ भी सीखने को अगर मिले, वो अच्छी चीजें सीखने को मिले, तो एक बात बताओ वहां के लोग लाभान्वित होंगे कि नहीं होंगे। या कोई भी देश, मान लीजिए मेरे ही प्रधानमंत्री जी का सीख के कुछ आए हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा तो वहाँ के लोग प्रभावित होंगे। इसके साथ ही साथ औपचारिक संबंधों की कमी के बावजूद दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण संबंधों को कायम रखा है। अच्छी बात है, कायम रखना भी चाहिए, तो रखा है अभी तक। और इसराइल ने वर्ष 2010 में भूटान में एक अल्पकालिक अनिवासी राजदूत की नियुक्ति भी की थी। तो ये सारी चीजें देखो हर जगह होनी भी चाहिए और ये चीजें हुई भी है। जैसे मैंने कहा, जिसके पास जो होगा वही देगा, किसी के पास हथियार है तो हथियार दे रहा है, किसी के पास प्यार है तो प्यार देगा, और किसी के पास कृषि है तो कृषि देगा, कुछ भी जो उसके पास जो रहेगा वो देगा, जिसके पास एक्सेस है वो देगा। तो इसराइल ने 1982 में भूटान के मानव संसाधन विकास का समर्थन किया, और इसीलिए विशेष रूप से जैसे मैंने कहा कृषि के विकास के क्षेत्र में, कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जिसके चलते भूटान के सैकड़ों युवा लाभान्वित हुए हैं, तो ये सब चीजें हुई थी। और औपचारिक संबंधों की कमी के बावजूद भी, अगर डायरेक्ट बात भी नहीं होती थी, फिर भी दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण संबंधों को आज भी कायम रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक हमारा छोटा भाई पाकिस्तान समझता ही नहीं है, कब उसका दिमाग ठनक जाए पता ही नहीं चलता है कब उसका। इसके साथ ही साथ इसराइल ने 2010 में क्या किया था कि भूटान में एक अल्पकालिक जो था अनिवासी राजदूत की नियुक्ति भी की थी। ठीक है, तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1982 से मैंने स्टार्ट करवा दिया और चीजों को जो जो था मैंने आपको सामने रख दिया, आपने सारे डायमेंशंस रख दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा और देखते हैं क्या रिश्ता इन लोगों का कहलाता है। और भी देखिए, इजराइल की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका नाम है मैसर, ने वर्ष 2013 से अब तक भूटान के सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया है। ठीक है, ये इजराइल की एजेंसी है जिसका नाम है मैशो, काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है मैशो, इजराइल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसने क्या किया है कि 2013 से ही अब तक भूटान के सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया है। ठीक है, प्रशिक्षण का कार्य किया है इजराइल की जो एजेंसी है जिसका नाम है मैशो, जिसने सेंटर फॉर डेवलपमेंट कॉपरेशन मैसो ने 2013 से अब तक भूटान के सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षण का काम दिया है, प्रशिक्षित किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैसो, और इसीलिए संबंध अभी तक इतने अच्छे हुए हैं। और देखिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देशों ने एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, और जबकि दोनों पक्ष, जैसे थिम्पू मतलब जो भूटान की राजधानी है, और तेल अबीब जो इसराइल की राजधानी है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से पूछा भी हूँ, दोनों तो इतना मेहनत बेटा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता भी दिया हूँ आप लोगों को कि दोनों देश, चाहे वो थिम्पू, जैसे भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यूपी की राजधानी क्या है कमेंट करके बताओ, सब हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या पढ़ोगे फिर। तो दोनों देश, जैसे थिम्पू भूटान की राजधानी और तेल अबीब जो इसराइल की राजधानी में, अपने दूतावास स्थापित नहीं करेंगे तथा दिल्ली स्थित अपने मिशनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। तो यही जो चीजें हैं, यही नवीनतम प्रयास किए जा रहे हैं दोनों के बीच में, और दोनों ने एक सहमति भी व्यक्त किया है, होना भी चाहिए चीजों को। जाहिर सी बात है कि जब भी कोऑर्डिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है अमन चैन की बात आएगी, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि तेल अबीब हो चाहे वो थिम्पू हो, दोनों ने अपने दूतावास स्थापित नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन दिल्ली स्थित अपने मिशनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित जरूर करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और देखते हैं क्या क्या हुआ है और क्या प्रयास हुए हैं दोनों देशों के बीच में। भूटान के थोड़े विदेश विभाग देख लेते हैं क्या क्या है। बड़े हमारे भूटान के साहब जो है, हमारे मोदी जी के बड़े करीबी हैं, तो देखते हैं भारत की इसमें क्या भूमिका होगी। जैसे मैंने कहा कि कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, कोई दूतावास मतलब दूतावास स्थापित नहीं करेंगे, सॉरी मैं राजनयिक बोल दिया, लेकिन दिल्ली स्थित अपने मिशनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन जरूर करेंगे। तो दिल्ली स्थित, इसमें दिल्ली का क्या रोल आ गया? तो चलिए देखते हैं क्या होता है फिर आगे, क्या होता है इन देशों के बीच में। अब भारत की देखिए भूमिका है क्या। भूटान के अब तक के विदेशी संबंधों का आधार अधिकांशतः भारत का मार्गदर्शन रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटा भाई उसको भी समझते हैं भूटान को। ठीक है, थिम्पू भूटान, और हमारा हमेशा विदेशों से हमेशा सबके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है, खास करके जो हमारे पड़ोसी है उनके साथ तो और जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है, और कुछ ऐसे भी पड़ोसी है इनको तो बार बार समझाना पड़ता है, वो समझते ही नहीं है। तो
भूटान के साथ अगर बात किया जाए, तो भूटान के अब तक के जो भी विदेशी संबंधों का जो आधार रहा है, अधिकांशतः भारत का मार्गदर्शन रहा है। तो भारत के साथ मार्गदर्शन के साथ ये सब चीजें हुआ है। और उल्लेखनीय है कि भारत का भूटान के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की जो स्थापना हुई थी 1949 में, ठीक है। तो हम छोटा भाई उसको भी समझते हैं, छोटा भाई नेपाल को भी समझते हैं, और एक बिगड़ा हुआ जो मेरा भाई है पाकिस्तान, उसको भी समझते हैं। लेकिन कभी कभी वो फिर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर जाता है, लेकिन फिर भी जवाब दिया जाता है, समझाया जाता है, समझ जाता है फिर। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, समझा ही सकते हैं, भाई पड़ोसियों से प्यार करना है, ये अटल जी भी कहते थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो हम भूटान के जो भी विदेशी संबंधों का कोई भी अगर आधार आज तक तय हुआ है, तो हमेशा भारत का मार्गदर्शन उसमें जरूर रहा है। और जब मैंने कहा कि भारत और भूटान के बीच में आज से नहीं 1949 से आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई है, ठीक है। और भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना वर्ष 1949 की भारत भूटान मैत्री संधि पर आधारित है, और वही चीजें चली आ रही है, चली आ रही है, और अच्छी बात है। अगर किसी को बड़ा भाई मान के कोई काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी करें। तो ये सब चीजें इसकी पृष्ठभूमि है, और भारत के क्या संबंध है, क्या विदेश संबंध है हमारे और भूटान के लेके, तो ये चीजें मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं, ताकि पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, कि चाहे इजराइल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो भारत के पक्ष में। चलिए और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं भूटान के विदेश संबंध क्या क्या है, देख लो। संधि के अनुच्छेद 2 ने भूटान की विदेश नीति का मार्गदर्शन करने में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की थी, और इसीलिए वर्ष 2007 में इस संधि में कुछ परिवर्तन किए गए थे। और नई संधि के अनुसार भूटान तब तक हथियारों का आयात कर सकता है जब तक कि इससे भारतीयों को क्षति न पहुंचे और सरकार अथवा व्यक्तियों द्वारा इन हथियारों का पुनः निर्यात न किया जा सके, ऐसा कहा गया है। भूटान के जो विदेश संबंध है उसमें ऐसा किया गया है। और जाहिर सी बात है कि वर्ष 1971 में यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है, ठीक है। और हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से किसी के साथ इसके राजनयिक संबंध स्थापित नहीं है, तो यह भी अगर आपको देखना है तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी देखते हैं इसराइल और भूटान के संबंधों के बीच में, ठीक है। और भी देखिए, वर्ष 2007 से भूटान के औपचारिक संबंध केवल विश्व के 22 देशों के साथ थे। कितने देशों के साथ थे बेटा? सिर्फ और सिर्फ 22 देशों के साथ थे। विदेशी संबंध यानी भूटान के जो औपचारिक जो संबंध थे वो केवल विश्व के 22 देशों के साथ थे, ठीक है। वर्ष 2007 तक जो था भूटान के जो औपचारिक संबंध थे केवल 22 देशों के साथ थे, लेकिन 2008 के चुनाव के बाद भूटान की सरकार ने 5 वर्षों में 31 देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने राजनयिक संबंधों में तेजी से वृद्धि की है। तो होना भी चाहिए भाई, हर देश आगे बढ़ रहा है तो तुम भी आगे बढ़ो, तुम कहीं पीछे रहोगे भाई। तो ये एक डेटा था, मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, उसके हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं। और वर्तमान में लगभग 53 देशों, ठीक है, 31 और 22 जोड़ेंगे तो सीसेट के माध्यम से 53 ही होगा। मैं जोड़ के भी बता देता हूँ, 31 है और 22 है, दोनों को ऐड जब किया जाता है तो 1 और 2 3 होता है, और 3 और 2 5 होता है। तो इसको देखो, ये भी पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो वर्तमान में लगभग 53 देशों और यूरोपीय संघ के साथ भूटान के राजनयिक संबंध है, तो इसको भी हल्के में ना लीजिए आप, ठीक है। ये भी 53 देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रहा है। और हाल ही में भूटान ने जर्मनी के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, तो इसको भी आराम से देख लीजिएगा। इसलिए इजराइल और भूटान का संबंध, चाहे हमारा और भूटान का संबंध, भूटान के विदेश के क्या संबंध है, ये सब चीजों का मैंने चर्चा कर दिया है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। यहां तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो। बीच वाला स्लाइड में एरर्स आ गए थे इसलिए मैंने उसमें ज्यादा फोकस नहीं किया, इसलिए मैंने भूटान के विदेश संबंध आपको सीधे डायरेक्ट पढ़ा दिए। बाकी जितना मैंने दे दिया है बहुत इनफ है आपके लिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य कितने हैं, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। वो जो जो स्लाइड था वो एरर्स थोड़े हो गए थे उसमें, इसलिए मैंने उसको ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया। तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किसी को भी। ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है आज के, सब पे हम बात करेंगे। टेलीग्राम के लिंक से भी जुड़ जाइएगा, प्रिंस जायसवाल के नाम से ये टेलीग्राम का लिंक है, अकेडमी प्रिंसेस वाला, और ये कोड है PJ01। इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। यहां तक तो कोई डाउट है किसी को? तो ब्रिटेन की ब्रिटिश समय सीमा पर वार्ता, ब्रिटेन आपको पता है ब्रिटेन से थोड़ा सा अलग होके यूरोपीय संघ, सब कुछ बताया जाएगा। ब्रिटिश सीमा समय सीमा पर वार्ता किया जा रहा है, चर्चा में क्यों है इस पर हम चर्चा करेंगे। यहां तक तो किसी कोई डाउट है? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? ब्रिटेन, हाँ ये अंग्रेज है, यही है जो
इतने सालों तक हमको गुलाम बना के रखे हैं। इनकी जो स्ट्रेटजी थी, दिमाग से खेलते थे ये सब। और सोचो दिमाग से अगर ना खेलते हैं तो इतने कम संख्या थी इनकी, आए थे बिजनेस करने ही है, पुर्तगाली हुए चाहे डच हुए चाहे अंग्रेज हुए चाहे फ्रांसीसी हुए, लेकिन ये आए थे बिजनेस करने। और बिजनेस करते करते कुछ और करने लगे ये हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे, हमारे व्यापार में हस्तक्षेप करने लगे, और इस तरह करने लगे कि हमको गुलाम बना के रख दिए। इतने कम संख्या थी, हम लोग ज्यादा थे, तो एकता में शक्ति होती है, सभी लोग जानते हैं। जब एकता टूट जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, देखते ही है फिर गुलाम बन के रहिए। तो ये कम संख्या थी, इनकी स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी थी, ये क्या कब करते थे पता भी नहीं चलता था। और इतने साल लग गए आजादी की लड़ाई में, न जाने क्या क्या हम लोगों ने देखा है। और वही ये ब्रिटेन है जिसकी ब्रेग्जिट समय सीमा पर वार्ता हो रही है, ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए। ये वही वाले हैं लोग, कैसे भूल जाए जाए कोई। चलो तो हम बात करते हैं ब्रिटिट ब्रिटेन की ब्रिटिट समय सीमा पर वार्ता चर्चा में क्यों है, इस पर हम लोग बात करते हैं। हाल ही में ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय संघ जिसे कहते हैं, पोस्ट ब्रेग्जिट व्यापार समझौते को निर्धारित अवधि यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक अंतिम समय रूप नहीं दे पाने की स्थिति में बातचीत को आगे जारी रखने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि जो हमारा ब्रिटेन है, जो हमारा यूरोपीय संघ है, वो दोनों पोस्ट ब्रेग्जिट व्यापार समझौते को निर्धारित अवधि यानी कि 31 दिसंबर अब लास्ट आ ही रहा है, 2020 तक अंतिम रूप नहीं दे पाने की स्थिति में बातचीत को और आगे बढ़ाने के यानी कि जारी रखने के लिए तैयार दोनों हो गए हैं। यहां तक तो कोई डाउट किसी को भी? बस सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने यही बताया कि ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन जो है, दोनों जो है पोस्ट ब्रेग्जिट की जो बात हुई थी, जो पोस्ट मतलब बाद होता है, प्री मतलब पहले होता है, तो पोस्ट ब्रेग्जिट व्यापार समझौते को लेकर जो निर्धारित तिथि डिसाइड की गई थी, 31 दिसंबर 2020 की गई थी, उसको अभी तिथि जाहिर सी बात है अंतिम रूप अभी दे नहीं पाए, इसीलिए उसे सब बातचीत को और आगे बढ़ाने को यानी कि कंटिन्यू करने के लिए दोनों तैयार हो गए हैं। और ब्रिटेन और यूरोपीय संघ द्वारा ब्रेग्जिट समझौता ब्रिट को 11 महीनों की तय अवधि यानी कि अंतिम रूप देना है, ये जो कहा गया था 31 दिसंबर 2020 तक, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया, इसलिए इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों, देखो ब्रिटेन है, पढ़ लो आराम से इसको, बहुत सालों तक सब पे राज किए हैं सभी। अच्छा, वो इनका घर टूटता है तब पता चलता है कैसे होता है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा और भी बात करते हैं, इसके आगे चर्चा करते हैं। ब्रिटेन की ब्रेग्जिट समय सीमा पर चर्चा में क्यों है, क्या है, सब पढ़ते हैं। इस अवधि के दौरान जो ब्रिटेन हमारा है, ईयू के साथ यूरोपीय यूनियन के सीमा शुल्क संघ और एकल बाजार मतलब सिंगल मार्केट की गतिविधियों में भाग लेता रहेगा, और यह अवधि अचानक होने वाले नुकसान से बचाती है तथा एक सुव्यवस्थित ब्रेग्जिट प्रक्रिया द्वारा नागरिकों, व्यवसायों, सार्वजनिक प्रशासन और साथ ही अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को कम करती है। ठीक है, तो यह अवधि क्या करेगी, अचानक होने वाले जो भी नुकसान है उससे उसको बचाएगी, और साथ ही साथ एक सुव्यवस्थित ब्रेग्जिट प्रक्रिया द्वारा नागरिकों, व्यवसायों, सार्वजनिक प्रशासन और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के समक्ष उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियां हैं उसको कम करने का ये काम करेगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो पूछ लो। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या करेगा। समय सीमा समाप्त हो रही है इसकी, क्या डाउट और भी है देखते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि पोस्ट ब्रेग्जिट व्यापार समझौते की वार्ता में तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बना हुआ है। जो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, यह सामान्य नियमों और मानकों के लिए एक शब्द है, दूसरा है गवर्नेंस है, शासन है, और तीसरा है मत्स्य क्षेत्र यानी कि फिशर्स है। ठीक है, तो तीन मुद्दों को लेकर अभी भी इन दोनों के बीच में मतभेद बना हुआ है। 31 दिसंबर का टेंटिव डेट था, अभी नहीं पूरा हो पाया तो उसको और कंटिन्यू करने की बात किया जा रहा है, बस यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट ब्रेग्जिट व्यापार जो समझौते की जो वार्ता में जो तीन मुद्दे हैं, जिसमें पहला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, दूसरा यह है कि शासन है जिसे गवर्नेंस कहते हैं, अभी शासन कहते हैं, और तीसरा है मत्स्य के क्षेत्र की बात की गई है। यानी कि तीन मुद्दे अभी भी मतभेद बने हुए हैं, देखते हैं कब तक सॉर्ट आउट होते हैं। और आगे बात करते हैं कि और क्या क्या है ब्रिटेन और ब्रिटेन की समय सीमा पर। तो हम बात करते हैं कि जो पहला था लेवल प्लेइंग फील्ड, ये क्या है, सबसे पहले हम इसके लिए बात
बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ये जान लो कि ये सामान्य नियम और मानकों के लिए एक शब्द है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से जब मुद्दे यही हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यवसायों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और यूरोपीय न्यायालय की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा यही है कि यूरोपीय संघ द्वारा एक ऐसे तंत्र की मांग को लेकर गतिरोध बना हुआ है जो एक नियामक लेवल प्लेइंग फील्ड के माध्यम से व्यापार के लिए उचित प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के साथ ही दोनों पक्षों के बीच शुल्क मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस है इसी के टॉपिक के अंदर ये पढ़ा मैं रहा हूं कि इन दोनों के बीच में क्या ऐसी भूमिका को लेकर क्या किया जाए, क्या उपाय होने चाहिए, इसी पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हमारा यूरोपीय यूनियन है, जो हमारा यूरोपीय संघ है द्वारा एक ऐसे तंत्र की मांग को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है जो एक नियामक जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के माध्यम से व्यापार के लिए उचित प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के साथ ही दोनों पक्षों के जो बीच शुल्क व्यापार को मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही साथ आपके ब्रिटेन में विकास तंत्र मतलब होता है इवोल्यूशन मैकेनिज्म या तुलता तंत्र जिसे कहते हैं इक्विवेलेंस मैकेनिज्म को मनाने से इनकार कर दिया है, और यह जो तंत्र है यूरोपीय संघ द्वारा ब्रिटेन को पर्यावरणीय नियम या श्रमिक अधिकार जैसे क्षेत्रों में अपने मानकों को कम करने से रोकता है। तो ये जो लेवल प्लेइंग गेंड है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ ब्रिटेन ने एक समझौते को अस्वीकार कर दिया है जो उसे भविष्य में यूरोपीय यूनियन के नियमों से बांध सकता था। तो भाई अभी दोनों के बीच में जाहिर सी बात है अभी क्लैश चल रहा है, दोनों के बीच मतभेद चल रहा है। जो टेंटिव डेट दिया गया था 31 दिसंबर का दिया गया था, और जाहिर सी बात है अभी तक वो चीजें पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए तीन को लेके मुद्दों को लेकर मतभेद बना हुआ है, जिसमें यह भी एक मुद्दा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके, मत्स्य को शासन को लेके, गवर्नेंस को लेकर भी हुआ था, तो लेवल प्लेइंग ग्रिड को बिल हुआ था। हो सकता है कि आने वाले समय में ये समस्या और भी उत्पन्न हो जाए, ये भी कहा गया है, और ब्रिटेन ने ऐसे समझौते को अस्वीकार कर दिया है जो उसे भविष्य में यूरोपीय संघ के नियमों से बांध सकता था। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट, कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है बेटा, एकदम आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, शासन क्या होता है? गवर्नेंस क्या होता है बेटा? शासन करना, कोई है बता सकता है जो शासन किसे कहते हैं? ये शासन वाला भी पक्ष देख लो कि भाई शासन में क्या है ऐसा, कौन सा शासन, किस शासन की बात कर रहे हैं दोनों के दोनों, ब्रिटेन और ब्रिटिश, यूरोपीय यूनियन सॉरी। चलो देखो, ब्रिटेन यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समझौता करना चाहता है। हालांकि यूरोपीय संघ ने पहले ही यह प्रस्ताव दिया था कि इस तंत्र को यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए, तथा विवादों के मध्यस्थता हेतु पहलता वार्ताओं का आयोजन समिति के 27 सदस्यों और राज्य के गुट द्वारा किया जाना चाहिए। तो यह भी एक जो कारण था वो शासन का कारण था, इसीलिए दोनों में भी क्लैश बना हुआ है, इसीलिए अभी मतभेद बना हुआ है, अभी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है, इसीलिए अभी आगे इसको बढ़ने के लिए तैयार दोनों हुए हैं कि भैया अभी हम और वार्तालाप करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? ये जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय जो यूनियन है, पहले ही यह प्रस्ताव दिया था कि इस जो तंत्र की जो आप बात कर रहे हैं उसमें यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति द्वारा प्रशासित किया जाएगा, तथा विवादों के मध्य जो भी मध्यस्थता होगी तथा पहल होगा या वार्ताओं का जो आयोजन समिति के जो 27 सदस्य होंगे, जाहिर सी बात है एक तंत्र अगर करेगा तो उसमें सदस्य तो रहेंगे ही ना, अगर कोई समिति बन रही है तो इसमें 27 सदस्यों के गुट द्वारा ही उसे किया जाना चाहिए, ऐसा उसके द्वारा पहले ही प्रस्तावित किया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा। यहां तक तो कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? चलिए और आगे हम बात करते हैं, और देखिए क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। मत्स्य के क्षेत्र में भी पढ़ना है, क्या है मछली? मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, यही पढ़ते हैं। और हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो जिसको जहां रहना है वहीं रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो मत्स्य के क्षेत्र में भी क्या समस्या हुई है, दोनों के बीच में क्या मुद्दे हुए हैं, ये भी देख लीजिए। यूरोपीय संघ के बेड़ों का ध्यान मछली पकड़ने के लिए ब्रिटेन के मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित किया गया है। ठीक है, मछली जो है, मछली पकड़ने के लिए ब्रिटेन के मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित किया गया है यूरोपीय संघ के बेड़ों का ध्यान।
इसके साथ ही साथ फ्रांस की इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका है, सभी को पता है। और इसके अनुसार ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है, अतः फ्रांस को इस क्षेत्र में 10 वर्षों के लिए बना रहना होगा, जो कि ब्रिटेन को मंजूर नहीं है। तो जब मंजूर ही नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें समस्याएं तो होंगी ही, इसीलिए समस्या हो रही है। और समस्या जब हो रही है तो इसीलिए दोनों में अभी मतभेद बने हुए हैं। जो डेट है उस डेट पे वो चीजें अभी पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए दोनों को अभी और आगे वार्तालाप करना चाहते हैं। करे सब कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठ के बस मजे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करे सब जो करना है उन सबको, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी मजे बोलो लिए हैं। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को कि मत्स्य क्षेत्र की क्या समस्या हुई थी या आपके शासन की क्या समस्या हुई थी? कोई डाउट किसी को भी? चलिए और आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं विफलताओं के बाद क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि विफलताएं होंगी तो संभावनाएं कुछ आएंगी, ठीक है। चलो, यूरोपीय यूनियन से अलग होने से संबंधित ब्रिटेन का कोई समझौता नहीं होने की स्थिति में ब्रिटेन तुरंत ही एकल बाजार और सीमा शुल्क संघ की व्यवस्था को छोड़ देगा। यही होगा, क्या करेगा? अगर यूरोपीय यूनियन से अलग होने से संबंधित अगर ब्रिटेन का कोई भी समझौता अगर नहीं होता है तो इस स्थिति में तुरंत ही ब्रिटेन क्या करेगा, एकल बाजार मतलब सिंगल मार्केट और सीमा शुल्क संघ की व्यवस्था को छोड़ देगा। और ऐसी ही स्थिति में ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के संस्थानों और यूरोपीय निकायों जैसे यूरोपीय न्यायालय, कानून प्रवर्तन निकाय आदि को तुरंत छोड़ना होगा, और साथ ही ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के बजट में योगदान नहीं देना पड़ेगा। तो ये देखो, ये सब चीजें चल रही हैं, इसीलिए 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जनवरी से विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के आधार पर आगे का व्यापार होगा। तो ये भी एक कंडीशन रखा गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 1 दिसंबर आने तो दीजिए, हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस मजे से बैठ के इंतजार करना है इन चीजों का। चलिए और भी देखते हैं चीजों को लेके क्या क्या और हुए हैं, और भी देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक व्यापार समझौते की स्थिति में प्रशुल्क में वृद्धि, आयातकों और बॉर्डर पर चेकिंग के लिए कागजी कार्रवाई तथा ब्रिटेन व यूरोपियों के बीच में वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगने वाले करों को WTO के नियमों के तहत लाया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, हमने कहा ना मजे लेना चाहिए, हम लोगों को मजे ले रहे हैं बैठ के हम लोग। ये लोग भी हमारा कामाकाटा मारूगा, जहाज बहुत बहुत नहीं रुकने दिए थे लोग ना, ये लोग जहाज को सीधे दमदम एयरपोर्ट से बाहर किए थे, याद है कि नहीं? सब पढ़ा चुका हूँ। कामाकाटा मारू तो बता सकता है कामाकाटा मारू की घटना कब हुई थी? समय सबका आता है, हमारा भी समय आएगा, आ ही रहा है हम लोग का समय। इन लोग का यही ब्रिटेन है जो पूरी दुनिया पर राज करते थे, ये लोग उस दुनिया को गुलाम बना के ये लोग रखे हैं, मुट्ठी भर के लोग थे, हम लोग को तोड़ दिए, और आज देखिए इनकी क्या स्थिति हो रही है, ठीक है। तो समय किसी बड़ा बलवान होता है, किसी को भी कभी भी पटक सकता है, ठीक है। कोई बता सकता है कामाकाटू मारू की जो घटनाएं हुई थी वो कहां से हुई थी, कौन लीड कर रहा था, ये घटना कहां पर हुई थी, कब हुआ था, किस साल, कोई भी जितने भी जुड़े हों। और जैसे मैंने कहा कि 31 दिसंबर तक ये सब चीजें नहीं सॉर्ट आउट हुई तो फिर एक तारीख से WTO का नियम लागू हो गया। WTO का नियम लागू हो गया तो आयात निर्यात पर लगने वाले करों को WTO के नियमों के तहत लाया जाएगा, लागू किया जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट किसी को? कामाकाटू मारू की घटनाएं कब हुई थी, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है अच्छे से? कैसे काम चलेगा बेटा? चलिए चलिए और कोई नहीं, देखते हैं। यूरोप में व्यापार और व्यापार के संचालन पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही अब ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ के संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, तो ये भी एक समस्या है। तो देखते हैं विफलताओं के बाद संभावनाएं क्या है। संभावनाएं तो कम लग रहे हैं, असंभावनाएं ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जो है वो है आपके सामने है, तीन चीजों को आप लोग आराम से देख लीजिए, ठीक है। और भी देखिए आगे की राह, क्योंकि आगे की राह भी तो दिखानी जरूरी है। तो राह यही है कि ब्रिटेन को मध्यम मार्ग अपनाकर यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाहिए, ताकि लोग एकाएक लिए गए फैसलों से होने वाले नुकसान से
बच सके। इसके साथ ही साथ यूरोपीय संघ का जो मानना यही है कि इसके चलते सदस्य देशों की स्थिति एक साथ मजबूत होगी और संसाधनों तथा पहलों की पूलिंग आम लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। और यहाँ तक कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर अगर हो भी जाता है तो भी यूरोपीय यूनियन का विकास एक समूह के रूप में जारी रहेगा, ठीक है। और इसी बीच दुनिया के अन्य देशों को भू-स्थितिकी की शक्ति संतुलन और राजनीति के बदलते स्वरूप के स्वयं को समायोजित करना होगा। ये आगे की राय है, देखते हैं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, वो तो बाद की चीज है। पहले जो सॉर्ट आउट हो, 31 दिसंबर की कहानी होती है, उसके बाद देखा जाएगा जो होना होगा होगा। जहां तक तो कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट, तो सबका समय आता है, इनका भी समय आएगा, देखते हैं रहते कि जाते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है, 12वां गृह शिखर सम्मेलन है। तो गृह का मतलब कुछ और मत, गृह गृह है समझिए, एक तरह से गृह मत समझिए, नहीं तो कुछ और आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि आप लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। गृह है ये, ठीक है, गृह है ये, 12वां गृह शिखर सम्मेलन है। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट, ठीक, डाउट नहीं है तो फिर पढ़ते हैं आगे। कामाघाट उगमारू की घटना कब हुई थी बताइए, किसने लीड किया था, क्या था ये कामाघाट उगमारू का प्रकरण, कोई है महारथी जो बता सके, कोई भी। चलिए देखते हैं, 12वां गृह शिखर सम्मेलन क्या है, ये सब चीजें। हाल ही में 12वें गृह यानी मैं गृह है ये, गृह का जो फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्मेंट, एक बार और बता देता हूँ, गृह, चलो लिख भी देता हूँ, गृह, हाँ, गृह का मतलब ये होता है, जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेटिंग, आई का मतलब छोड़ दीजिए, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्मेंट, ठीक है, गृह शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। तो पहला ये कि कौन सा नंबर का है, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 12वें गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया है। अभी चर्चा में क्यों है, आगे हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आप लोग, कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट, कोई डाउट किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गृह तो हो गया, यही है आपका गृह है जो बताया मैंने आपको, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है, तो इसका वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया है। और हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, क्या है ये गृह फ्रिया, क्या है शिखर सम्मेलन के विषय में बात हम लोग करते हैं। जो इसकी विषय वस्तु है या जो थीम है, पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, वो ये है कि कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें, जो इसका मेन जो इसका थीम है, ये यही थीम है कि कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें हैं, ठीक है। और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य यही है कि नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में काम करना, और इस प्रकार ये पूरे समुदाय के लाभ हेतु अस्थायी एवं अनुकूल समाधान विकसित करने के लिए एक मजबूत तंत्र के निर्माण में मदद करेगा, ठीक है, जो गृह आपका है। और अगर हम उद्घाटन समारोह की जो बात करें, तो उद्घाटन समारोह जो देश के उपराष्ट्रपति, नाम कोई बता सकता है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, कितने नंबर के हैं, देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, पहले एक राष्ट्रपति होते हैं जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, एक उप प्रेसिडेंट होते हैं जिसे उपराष्ट्रपति कहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में कौन है और कितने नंबर के हैं, मतलब आजादी से लेकर अभी तक अगर उनका क्रम देखा जाए तो क्रम में कितने नंबर के हैं। सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा बेटा, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, वो ऐसे कैसे काम चलेगा, बताइए सभी के सभी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, क्रम क्या है उनका, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, उनका क्रम क्या है, और कोई है ऐसा, कोई और भी, ठीक है, तो ऐसी ही पढ़ाई होगी तो कैसे काम चलेगा। चलो बढ़िया, सभी लोगों ने सही बताया। तो विषय जो वस्तु है, जो थीम है कि कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें हैं, इस बार का विषय वस्तु 12वां गृह शिखर सम्मेलन का, ठीक है। और उद्देश्य यही है कि नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में काम करना, यह इसका
उद्देश्य था और इस प्रकार यह पूरे समुदाय के लाभ हेतु अस्थायी व अनुकूल समाधान विकसित करने के लिए एक मजबूत तंत्र के निर्माण में मदद करेगा। उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन समारोह जो है उपराष्ट्रपति ने इस आयोजन के दौरान शाश्वत नामक एक पत्रिका और 30 स्टोरेज बियॉन्ड बिल्डिंग्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। वो हमारे उपराष्ट्रपति साहब जिनका नाम है वेंकैया नायडू साहब, जो हैदराबाद से आते हैं, साउथ से आते हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने एक इसके आयोजन के दौरान किया गया कि एक शाश्वत नामक एक पत्रिका और 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो पेपर में जरूर पूछता है खास करके विषय वस्तु, उसका उद्देश्य और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। मान लो कोई पत्रिका का विमोचन किया गया है, ऐसा कुछ किया गया है, तो वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, जो 30 स्टोरी बियॉन्ड बिल्डिंग्स नामक पुस्तक का विमोचन भी इन्होंने किया है। किसने किया है? उपराष्ट्रपति ने किया है, जो हमारे नाम जिनका वेंकैया नायडू साहब है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी तरह का कोई डाउट है किसी को? और आगे हम बात करते हैं। तो जो बनावा गृह समिट है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। चलिए और भी देखिए इसमें क्या क्या है, प्रमुख बिंदु और क्या क्या है। ठीक है, गृह जो आपका है, एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग दिया गया है। क्या है ये, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। यह किसी भी संपूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। ये क्या है? गृह जो है जिसमें एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए जो ग्रीन रेटिंग दिया जाता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो कि यह किसी भी संपूर्ण भवन के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है और गृह को भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसे UNFCCC में प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्वैच्छिक योगदान में भारत की स्वयं की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो ये क्या है कि यह किसी भी संपूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग प्रणाली है, और गृह जो है आपका भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, UNFCCC का जो कन्वेंशन है, उसमें प्रस्तुत राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर निर्धारित जो भी स्वैच्छिक योगदान है उसमें भारत में की स्वयं की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ परिकल्पना एवं विकास की बात की जाए, क्या है इसमें कि इसकी परिकल्पना ऊर्जा और संसाधन संस्थान जो है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी जिसे कहते हैं, द्वारा की गई थी तथा इसे नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। जाहिर सी बात है जब ग्रीन रेटिंग की बात आएगी तो टेरी आना ही है। तो टेरी जो एनर्जी की ही बात करता है, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी जो है उसके द्वारा इसकी स्थापना संस्थान द्वारा किया गया था, परिकल्पना की गई थी और इसे नवीन और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यहां तक देखिए कितने क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। पहला कि ये गृह क्या है, दूसरा गृह किस फ्रेमवर्क नेटवर्क के अंतर्गत आता है, कन्वेंशन के अंतर्गत आता है, तीसरा कौन सी रेटिंग एजेंसी है, कौन सी बिल्डिंग की बात की जा रही है या किसका विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, यार आराम से देख लीजिएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी इसकी जो परिकल्पना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, कौन कौन इसमें परिकल्पना में शामिल है, जैसे ऊर्जा और संस्थान जो है, संस्थान जो है, संसाधन संस्थान जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है आपका टेरी द्वारा की गई थी और इसे नवीन और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यहां तो कोई डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट? चलिए और आगे बात करते हैं और देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि टेरी टेरी जो कर रहे हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या है टेरी, जिसके द्वारा गृह को, जो मैंने कहा कि गृह जो है उसके द्वारा परिकल्पना की गई है टेरी के द्वारा, तो ये देख लीजिए कि टेरी क्या है। तो टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, कई बार पेपर में यही पूछ देता है कि वो टेरी का फुल फॉर्म क्या है। तो टेरी जो है एक गैर लाभकारी, एक मिनट रुक जाइए, गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है जो भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। तो टेरी क्या है? एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है जो भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए
ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है और 1974 में स्थापित इस संस्थान को पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था तथा वर्ष 2017 में इसका नाम परिवर्तित कर ऊर्जा और संसाधन संस्थान कर दिया गया है। तो टेरी क्या है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो टेरी एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है जो भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए ऊर्जा और पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है और 1974 में स्थापित इस संस्थान को पहले टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से पहले जाना जाता था 1974 में, और 2013 में इसका नाम जब परिवर्तित किया गया तो इसका नाम कर दिया गया टेरी ऊर्जा और संसाधन संस्थान कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा 1974, 2013, 1974 में किस नाम से था और 2013 में किस नाम से है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और टेरी क्या है, एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं टेरी। चलिए और भी देखिए, उद्देश्य क्या है इसका, इसका यही उद्देश्य है कि ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन तैयार करने तथा इमारतों के ग्रीननेस का मूल्यांकन करने में मदद करना, यानी कि जो इसका उद्देश्य यही है कि जो भी हम ग्रीन बिल्डिंग है उसके लिए डिजाइन तैयार करना तथा इमारतों के ग्रीननेस का मूल्यांकन करने में मदद करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसकी प्रणाली की अगर हम बात करें तो इस प्रणाली को नई इमारतों जो अभी स्थापना के चरण में है, जिसे अभी डिजाइन जो किया गया है, में सहायता करने तथा उनके मूल्यांकन के लिए विकसित किया गया है। यानी कि जो इसके अभी जो नई बिल्डिंगें बन रही है, जो नई इमारतें बन रही है, उसके स्थापना उसकी सहायता करने में, उसके मूल्यांकन करने में इसकी विकसित किया गया है और इस इमारत का मूल्यांकन उसके पूरे जीवन चक्र के पूर्वानुमानित प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि टेरी क्या है, क्या गैर लाभकारी संस्थान है कि नहीं है, 1974 में इसे किस नाम से जाना जाता था, 2013 में इसे किस नाम से जाना जाता है, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, इसकी क्या क्या प्रणाली है। तो उद्देश्य जैसे मैंने बताई दिया हूँ कि ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन तैयार करना था, इमारतों के लिए ग्रीननेस का मूल्यांकन करने में मदद करना, ये इसका उद्देश्य है। और जो मैं प्रणाली की बात कर रहा हूँ, इसकी प्रणाली यही है कि जो भी नई इमारतें हैं, यानी कि जो अभी बन रही है, जो भी अभी 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 निर्माणाधीन है, उनके डिजाइन में सहायता करने तथा उसके मूल्यांकन के लिए विकसित किया गया है और इस इमारत का जो मूल्यांकन है उसके पूरे जीवन चक्र के पूर्वानुमानित प्रदेश के आधार पर किया जाता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। और भी देखिए क्या क्या और चीजें हैं, अब और भी मानक क्या क्या है, बस वही है कि साइट या स्थल का चयन और योजना बनाना, जाहिर सी बात है कहीं बनेगा तो साइट्स पे जाना ही है। संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग करना, ये भी काम है इसका। भवन संचालन और रखरखाव करना और नवाचार की स्थिति का भी पता लगाना, तो ये इसका मुख्य प्रमुख काम है। इस मानक को भी देख लीजिएगा, इसी मानक के अनुसार ये काम करता भी है, जो साइट और स्थल का चयन करना, संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग करना, भवन संचालन और रखरखाव करना और नवाचार की स्थिति का पता लगाना, ये काम है, इस काम को देख लीजिएगा। चलिए अगला और बात करते हैं इसी में, और देखिए लाभ क्या है, लाभ भी देख लीजिए, बिना लाभ के तो कोई काम होता नहीं है। यह जो प्रणाली है विभिन्न गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, जीएससी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस है, उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा की खपत में कमी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को, ठीक है, वही जीएससी मतलब ग्रीन हाउस गैस, वही जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, की खपत में कमी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर पर्यावरण में सुधार के साथ ही समुदाय को लाभान्वित करती है। यानी कि ये जो प्रणाली है क्या करेगी भाई, ग्रीन हाउस गैस की जो बात हम कर रहे हैं, ये विभिन्न गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा की खपत में कमी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर जो पड़ने वाले दबाव है उसको कम कर पर्यावरण में सुधार के साथ ही समुदाय को लाभान्वित करती है, ठीक है, इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिए। चलिए और भी बात कर लेते हैं इसी में, अन्य संबंधित पहले जो है इससे संबंधित ये भी देख लो, जैसे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है और संबंधित पहले, आयोजनकर्ता जो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। कमेंट करके कोई बता सकता है मंत्री जी कौन है इसके, ये जो मंत्रालय है इस मंत्रालय कौन से मंत्री जी संभालते हैं, वो ये होगा मंत्री जो संभालता होगा, उस मंत्री का नाम क्या है बताओ, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय का जो मंत्री जी है उस मंत्री जी का क्या नाम है बताओ, कोई भी जितने लोग जुड़े हों मुझसे, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री जी कौन है बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो सभी। पढ़ना से इंपॉर्टेंट ये है, टेरी क्या है,
इसकी स्थापना कब हुई, क्या काम करता है, 1974 में किस नाम से जाना जाता था, 2013 में किस नाम से जाना जाता है, क्या इससे लाभ होगा, क्या इसका काम है, पहले किस नाम से था, बाद में किस नाम से था, अन्य संबंधी पहले जो है, जैसे मैंने कहा कि इसका जो आयोजन करता है ग्लोबल हाउसिंग की, जब बात ही आ गई हाउसिंग की, टेक्नोलॉजी चैलेंज, तो किस आयोजनकर्ता कौन है, तो शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है, मंत्री जी कौन है, मैं यही आप लोगों से पूछ रहा हूं, मंत्री जी कौन है, कोई तो होगा, बताओ कौन है वो, बताइए जल्दी जल्दी, 1 घंटे के आसपास क्लास हो गए हैं आपके, कौन है मंत्री जी आपके, कोई तो होगा, कोई तो होगा, कैसे काम चलेगा, जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं, ऐसी तैसे कैसे कह सकते हैं आपकी, कोई तो होगा। शुरुआत जो हुई थी जनवरी 2019 में हुई थी, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी, आंसर दो बेटा, आंसर से मत भागो, कहाँ तक भागोगे, ये टेरी है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, ब्रिजेट हुआ या यूरोपीय यूनियन हुआ या ब्रिटेन हुआ या फ्रांस ने क्या कहा, ये सब जितनी भी चीजें मैं आपको बताया हूँ ये पेपर में आते हैं बेटा, ऐसा थोड़े है, भूटान इसराइल के संबंध, भूटान की राजधानी क्या है, इसराइल की राजधानी क्या है, क्या पहले था, अब क्या है, क्या हुआ था पहले, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, भारत का क्या रोल है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी यार मैं बार बार कहता हूँ कि वो चेंजिंग होती है। खैर, अब शहरी मामलों के मंत्रालय का नाम बताइए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कौन से मंत्री जी देखते हैं, बताइए, और कोई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी, और कोई है समार्थी, ठीक, चलिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया, उद्देश्य यही है कि इसका आवास और निर्माण के क्षेत्र को बदलते प्रतिमानों के अनुसार सक्षम बनाने हेतु तो सर्वोत्तम उपलब्ध और सिद्ध निर्माण तकनीक को, जो ऐसे टिकाऊ हो, हरित एवं आपदा रोधी हो, की पहचान करना तथा उन्हें मुख्य धारणा से जोड़ना, बस यही काम है, जो होनी चाहिए वो काम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो काम हो टिकाऊ हो, नहीं टिकाऊ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो यही सब चीजें हैं, सिद्ध निर्माण तरीकों को बनाना, जैसे टिकाऊ हो, हरित एवं आपदा रोधी हो, की पहचान करना तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, यही उसका मेन उद्देश्य भी है, ठीक है, चलिए और आगे हम बात करते हैं, और देख लीजिए, जब इतना सब देख ही रहे हैं थोड़ा ये भी देख लो, जैसे कि कुछ और, जैसे पहले जैसे मैं था, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सलेंट इंडिया, इसको भी देख लो, आशा इसके लिए भी यही था कि इस पहल के माध्यम से संसाधन कुशल, लचीले और टिकाऊ निर्माण के लिए नवीन सामग्रियों, प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकियों की पहचान हेतु 5 इक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं, और क्या है, जैसे कि आपको पता ही है कि स्मार्ट सिटीज की बात की जा रही है, इसको भी देख लो, मिशन ये है, तो यह जो है स्थानीय विकास को सक्षमता और प्रौद्योगिकियों की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु तो भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल है, इसीलिए स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, स्मार्ट सिटीज क्या होगा, स्मार्ट विलेज की तो अब बात हो रही है, बताइए अब स्मार्ट सिटी नए शहरों को बसाने की बात हो रही है, अमृत मिशन को लेके, ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई बार पढ़ा भी चुका, नए शहर बनेंगे, भाई शहर क्या होता है, कल ही प्रवासन पढ़ा रहा था मैं हाल ही में भी आपको, तो माइग्रेट होकर लोग क्यों जाते हैं, क्या क्या कारण थे प्रवासन के, ये सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के, वैसे ही शहरों के एक पैमाने होते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है, वहां पे मूलभूत सुविधाएं आपको सारी मिल जाएंगी, तो शहर के जो मूलभूत जो होने चाहिए गुण वो सारे होंगे, तो शहर होंगे, तो स्मार्ट सिटीज की जो बात हो रही है कि स्मार्ट विलेज की अब बात हो रही है, तो स्मार्ट सिटी में यही है कि यह स्थानीय विकास को सक्षमता और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल है, स्मार्ट सिटीज मिशन, और यह शहरों के एकीकृत और व्यापक विकास की दिशा में काम कर रहा है, तो ये भी आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट, किसी को भी किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप हमसे संवाद कर सकते हैं, कोई डाउट है किसी को, चलिए और भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, अगला टॉपिक
यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है किसी को। अगला जो टॉपिक है, कामधेनु आयोग द्वारा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कामधेनु चेयर्स गठित करने की सिफारिश की गई है, उसके पे हम चर्चा करेंगे कि भैया ऐसा क्या किया गया है। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, थिम्पू, भूटान, गामागाटू मारू प्रकरण, उनका क्रम क्या था, किस साल हुआ था ये घटनाएं, गामागाटू मारू प्रकरण का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या इसका पूरा बैकग्राउंड था, पढ़ लीजिएगा आराम से आप लोग, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो अगला जो टॉपिक है, जैसे कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालयों, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कामधेनु चेयर्स गठित करने की सिफारिश की गई है, तो देखते हैं क्या है, बात करेंगे इस पे, क्या है, कौन सा है, क्या नहीं है, सब बात किया जाएगा। आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताइए सभी के सभी, आगे बढ़ा जाए, एक बार कमेंट करके सब बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा देश के सभी विद्यालयों कॉलेजों में कामधेनु चेयर्स गठित करने की सिफारिश जो की गई है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से कामधेनु चेयर्स गठित करने के लिए कहा है, यानी कि जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है उस आयोग ने क्या कहा है कि जो भी देश में विश्वविद्यालय है, जो भी कॉलेज है, वहां पर आपके कामधेनु चेयर्स जो है गठित करने के लिए कहा है। ये क्यों किया गया है, क्या है, सब किया जाएगा, पहले जो है वो देख लीजिए। पशुधन संरक्षण के लिहाज से देश में जागरूकता और साथ ही अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। तो सरकार देख ही रहे हैं गौ माता को लेके क्या क्या हुआ है, बहुत सारे टैक्स भी लगाए गए हैं उन चीजों को लेके। ठीक है, तो यूपी में टैक्स लगाए गए हैं खास करके। तो कामधेनु आयोग ने देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज है और कामधेनु चेयर्स गठित करने के लिए कहा है कि भैया आप गठित कीजिए। आयोग ने कहा है कि भैया गठित करेंगे उससे ये होगा कि देश में जागरूकता फैलेगी उसको लेके, और अनुसंधान का जो कार्य है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और यह एक महत्वपूर्ण सिफारिश किया गया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा। और इसीलिए भारत के सभी वाइस चांसलर और कॉलेजों के प्रमुखों से देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कामधेनु पीठ गठित करने की बात की गई है कि भैया गठित होगा तो जितने भी गठित जब होगा तो लोग जागरूक होंगे, लोग जागरूक होंगे इसके साथ साथ अनुसंधान कार्य भी होगा, अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए सिफारिश किया गया है। तो जब सिफारिश किया ही गया है तो भारत के जितने भी हमारे वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, चाहे कॉलेज के जो प्रमुख है, उन सभी को प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कामधेनु गठित करने की बात कही गई है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी, भाई करना पड़ेगा भी, चलिए और देखते हैं क्या हुआ है। इसके साथ ही साथ चेयरमैन ने कहा है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के कि देश के युवाओं को देसी नस्ल की गायों के, सोच लो गायों पे तो राजनीति भी हो रही है, बताओ गौ मैया पे, बताओ जो गाय हमारी माता है उन पे भी राजनीति अब हो रही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, खैर मुद्दे पे आते हैं हम लोग, कि देश के युवाओं को देसी नस्ल की गायों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को जानने की जरूरत है। तो जितने भी युवा है हम जाने, इसीलिए कामधेनु आयोग द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख है उनसे कह दिया गया कि भैया आप कामधेनु चेयर्स गठित करिए, ये करेंगे तो लोग जागरूक होंगे, लोग जब जागरूक होंगे आप पढ़ाएंगे तो लोग जागरूक होंगे, अनुसंधान कार्य को बढ़ावा मिलेगा, देश के युवाओं को भी देसी नस्ल की गायों के बारे में पता चलेगा, और इसके साथ ही साथ ये हमारे समाज, हमारे आर्थिक, हमारे पर्यावरणीय महत्व को भी जानने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ मतलब गायों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को जानने की जरूरत है, तो कहा गया है, हम लोगों ने सुन लिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके साथ ही साथ देसी नस्ल की गायों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी आवश्यक जानकारी का देश भर में प्रसार होना जरूरी है, और जरूरी होगा भी, मोदी है तो मुमकिन है, तो जरूरी हो गया है। इसीलिए यूजीसी ने भी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के इस प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन करने की बात की है, तो प्रस्ताव को समर्थन दिया गया है। अब देखते हैं भाई, सरकार है, कुछ भी हो सकती है, अच्छी बातें होनी भी चाहिए, सबको जानकारी की जरूरत भी होनी चाहिए सब चीजों को लेके।
यही मैटर है कि राष्ट्रीय जो काम धन आयोग है उसने सिफारिश की है कि भाई जितने भी हमारे देश की यूनिवर्सिटीज हैं या हमारे जो कॉलेज हैं वो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में राष्ट्रीय काम धन आयोग का स्थापना किया जाए, जिससे ये होगा कि हमारे देशी नस्ल की गायों के बारे में आज के जो जागरूक हमारे युवा हैं वो उसको जानेंगे, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा, जागरूकता लोगों के बीच में फैलेगी, पहले नेताओं जी को फैल जाए उसके बाद लोगों को फैल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन का यह भी मानना है कि देश के युवाओं को देसी नस्ल की गायों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को जानने की जरूरत है। ठीक है, बाकी बहुत सी चीजों की जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। और देसी नस्ल की गायों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी आवश्यक जानकारी का देश भर में प्रसार होना जरूरी भी है। इसीलिए यूजीसी ने भी क्या कहा है, ठीक है, यूजीसी का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, जितने लोग मुझसे जुड़े हो, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई है ऐसा बताने वाला? यूजीसी, सभी लोगों ने डिग्री लिया है कि नहीं लिया है? किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा, किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। तो इसीलिए यूजीसी ने भी, यूजीसी और सी है, यू और जी और सी है, ने भी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के इस प्रस्ताव को, कौन से प्रस्ताव के भैया, सभी कॉलेजों में कामधेनु चेयर्स गठित करने की जो प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन देने की बात की है। तो ये रहा पूरा का पूरा बैकग्राउंड, अब हम आगे चलते हैं। और भी देखिए, चलिए साथ साथ चलेंगे, साथ साथ करेंगे। तो ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, मैं कई बार भूल भी जाता हूँ, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस लिंक से आप जुड़ जाइएगा, जो भी इंफॉर्मेशन पूछना हो, जो भी कुछ कहना हो, इसी टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए आप लोग। और मेरा मानना है कि ज्यादा नोट्स के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। जो पढ़िए बार बार उसको रिकॉल करते रहिए, टेरी जाने वाला है, ना ब्रिक्स जाने वाला है, ना सार्क जाने वाला है, ना आशियान जाने वाला है, जो है वो फिक्स है, बाकी जो ऐड होंगे उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की जरूरत क्यों है? जरूरत इसीलिए है कि हमारे मोदी हैं तो मुमकिन है। चलो, बाकी सब तो बता ही दिया हूँ, जरूरत और भी देख लीजिए। तो टेलीग्राम का लिंक, ये बेनिफिट जैसे मैंने बता ही दिया कि पीडीएफ मिल जाएगा आपको, क्लास की जब लगेगी उसकी टाइमिंग डेट सब कुछ मैं पीडीएफ पे दे देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो एकदम टेंशन फ्री होकर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए आप, अनअकैडमी ब्रिंजेसवाल के नाम से। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गायों और गौ वंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास तथा पशु विकास कार्यक्रम को दिशा प्रदान करने के लिए किया गया है। यानी कि जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है उसका जो गठन किया गया है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गायों और गौ वंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास तथा पशु विकास कार्यक्रम को दिशा प्रदान करने के लिए किया गया है। तो ये मेन मुद्दा यही है, आपको पता ही है कि, खैर नहीं बोलूंगा, चलो मैं कभी कल कुछ ज्यादा ही हो जाता है, खैर वो मोदी जी है तो मुमकिन है। तो गायों और गौवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास तथा पशु विकास कार्यक्रम को दिशा प्रदान करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही साथ मवेशियों से संबंधित योजनाओं के बारे में नीति बनाने और कार्यान्वयन को दिशा प्रदान करने के लिए जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है एक उच्च शक्ति वाला स्थायी निकाय है, ताकि आजीविका उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा सके। तो इसीलिए इसकी जरूरत महसूस की गई है, और इसी की जरूरत जब महसूस की गई है इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भैया करो जल्दी। इसीलिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वहां पर इसकी स्थापना यानी कि जो कामधेनु चेयर्स गठित करने की सिफारिश की गई है। उससे जैसे मैंने बता ही दिया कि उससे क्या होगा, लोगों को जागरूकता फैलेगी, लोग उन चीजों के बारे में जानेंगे, स्कूल के छात्र भी जानेंगे, जाहिर सी बात है देसी नस्ल के गायों के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सी चीजें जानने को उनको मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि जब मोदी जी खुद इसमें बीच में आ गए, सिर्फ प्रधानमंत्री गठन जो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है, जिसे गायों और गौ वंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास तथा पशु विकास कार्यक्रम को दिशा प्रदान करने के लिए किया गया है, इसका गठन मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और मवेशियों से संबंधित योजनाओं के बारे में इसमें यह भी होगा कि नीति बनाने का, अनुसंधान करने का, कार्यान्वयन करने का, जो भी काम होता है सब दिशा प्रदान करने के लिए एक उच्च शक्ति वाला स्थायी निकाय होगा, आजीविका उत्पादन पर भी अधिक जोर दिया जाएगा, ये सब चीजें हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। और बात करते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, हमारे मोदी जी हमारे खड़े हैं, एलोकेशन ऑफ 750 करोड़ फॉर राष्ट्रीय गोकुल मिशन,
सस्टेनेबल जेनेटिक अपग्रेडेशन आपका और रिसोर्स, ये सब चीजें है, देख लीजिएगा। चलिए और भी बात कर लेते हैं, और भी बात करिए इस पे, क्या जरूरत है। ठीक है, तो जरूरत है तभी तो लाया गया है, जरूरत नहीं होगी तो क्यों लाया जाता है इसको। और भी देखिए कि राष्ट्रीय गाभिन आयोग की स्थापना से देश में स्वदेशी गाय सहित गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास को बल मिलेगा, और इसके साथ ही साथ देश में पशुधन क्षेत्र का ध्रुव विकास होगा, जिसका लाभ विशेष रूप से महिलाओं और छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। जाहिर सी बात है, मिलेगा, एक बेहिचक मिलेगा। अगर ये सब चीजें होती हैं भाई, संरक्षण होता है गायों का, सुरक्षा होती है, विकास को बल मिल रहा है, या स्वदेशी गायों को प्रमोट किया जा रहा है, या जो भी चीजें हैं उनको अच्छे तरीके से किया जा रहा है, तो गायों के संरक्षण, उसकी सुरक्षा और उसके विकास को बल मिलेगा, और उसके साथ ही साथ जो हमारे छोटे किसान हैं या जो पशुधन का जो क्षेत्र है उसका विकास तो होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ हमको विशेष रूप से महिलाओं और छोटे सीमांत किसानों को इससे विशेष लाभ भी मिलेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसी को कुछ पूछना है, कहना है तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय गाभिन आयोग जो है गायों की प्रजनन, पालन, जैविक खाद और बायोगैस आदि के क्षेत्र में कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और संगठनों तथा पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यानी कि जो राष्ट्रीय गाभिन आयोग होगा वो क्या और भी काम करेगा, ये भाई प्रजनन की बात तो होगी ही, पालन की भी बात होगी, जैविक खाद बायोगैस आदि के क्षेत्र में, भाई जाहिर सी बात है एक से कई सारे काम जुड़े होते हैं, ये सब भी काम हो जाएगा भाई। रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा, सब चीजें होंगी, संरक्षण होगा, सुरक्षा होगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजी रोटी मिलेगा, पशुधन क्षेत्र में विकास होगा, छोटे किसानों को फायदा होगा, सीमांत किसानों को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा, लोग उसके बारे में जागरूक होंगे, उसका तेजी से विचार होगा, प्रसार होगा, सब कुछ होगा। तो जिसके साथ ही साथ ये भी है कि प्रजनन है, पालन है, जैविक खाद की जो बात हम कर रहे हैं, या बायोगैस की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भी उसमें विकास होगा, और केंद्र जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड सभी चीजों पे विकास ही विकास होगा। तो विकास होगा तो इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए और भी बात कर लेते हैं, और देखो क्या क्या होगा। वही सब चीजें हैं घुमा फिरा के, कि गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय गाभिन आयोग की स्थापना से देश में गायों की, वही सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं जो बताया मैंने। और इसके साथ राष्ट्रीय गाभिन आयोग की स्थापना केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुरूप की गई है। वही सब चीजें जो मैं बता चुका हूँ कि स्थापना से देश में गायों के संरक्षण नीतिगत ढांचा और दिशा मिलेगी, और इससे गायों के कल्याण के लिए कानूनों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा, और केंद्रीय बजट में इसका चर्चा किया गया है, केंद्रीय बजट में इसके लिए घोषणा किया गया है, इसके लिए बजट कुछ पारित किया गया है, और सरकार ने आदेश भी दे दिया है कि भैया जो भी विश्वविद्यालय है, जो भी हमारे स्कूल है, मतलब विद्यालय है, जो भी है यूनिवर्सिटी जो हमारे हैं, जो कॉलेज जो हमारे हैं, वहाँ कॉम्बिनेशन चेयर्स का गठन किया जाए, देखते हैं कब तक होता है। कई चीजें हैं, गायों से कई सारे बेनिफिट्स हैं, छोटे किसानों को प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट मतलब उनको आय का स्रोत मिलेगा, बहुत सी चीजें होंगी, छोटे किसान, सीमांत किसान, महिलाएं, जो लोग काम करते हैं उस क्षेत्र में, सबको इस पे बेनिफिट मिलेगा, हर क्षेत्र में बेनिफिट होगा, इसका होना भी चाहिए सब चीजें। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गाभिन आयोग ने इस वर्ष दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादकों के, देखो ध्यान से पढ़ लेना बेटा, तो राष्ट्रीय गाभिन आयोग ने इसी साल की जो बात मैं कर रहा हूँ, और किसी साल की बात, इसी साल कोरोना महामारी की जिस साल की बात कर रहा हूँ, दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर जिसमें पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया था। आपको याद है ना मोदी जी गए थे अयोध्या में दिवाली जो मनी थी। तो पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पंचगव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी देख लो बेटा, सब कुछ तो इम्पोर्टेंट ही है। देखो इसके साथ ही साथ पशुधन अर्थव्यवस्था का जो निर्माण है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 73 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं कोई बता सकता है? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? चलो ये बताओ पहले, तो 73 मिलियन में कितने लाख होंगे बताओ। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 73 में कितने होंगे बताइए, बताइए तब तक आप लोग 1 मिनट प्लीज वेट, वेट कीजिए आप सभी के सभी, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए, बस 1 मिनट में आता हूँ बेटा।
चलिए बताइए आप सभी के सभी, मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो बताइए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बताओ, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 73 मिलियन घरों में होता है। पशुधन अर्थव्यवस्था का निर्माण जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 73 मिलियन घरों में होता है। तो जो उसमें इंटू कीजिए मतलब मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 मिलियन में शायद 10 लाख होते हैं। यही कहा है आप लोगों ने भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 73 मिलियन से गुणा कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो पशुधन अर्थव्यवस्था की जरूरत क्या है या राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की क्या जरूरत है, इस जरूरत को हम पूरा करते हैं कि पशुधन अर्थव्यवस्था का निर्माण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 73 मिलियन घरों में होता है, और देश भले ही दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बावजूद भी भारत में औसत दूध का उत्पादन दुनिया के औसत उत्पाद का केवल 50% है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि दूध दूध का सबसे बड़ा उत्पादक हम लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो भारत जो है औसत दूध का उत्पादन दुनिया के औसत का केवल 50% है। और कम उत्पादकता मुख्य रूप से अनुवांशिक स्टॉक में गिरावट, खराब पोषण, अवैज्ञानिक प्रबंधन के कारण है, और यह गाय और गाय आधारित कृषि और गाय आधारित उद्योगों के बारे में प्रवृत्ति को बदल दिया जाना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब समाज के सामाजिक और आर्थिक कायाकल्प के लिए तुरंत ठीक। भाई जाहिर सी बात है, जिस पुराने ढंग पे चल रहे हैं उन चीजों को बदलेंगे, नई नई टेक्निक के अनुसार वो काम चीजें होंगी, उन चीजों के बारे में रिसर्च होगा, उन चीजों के बाद जो रिसर्च के बाद जो चीजें पाई जाएंगी, तो जाहिर सी बात है जो छोटे सीमांत हैं, जो छोटे किसान हैं, जो लोग काम इसमें करते हैं, उन सभी को इन चीजों से बेनिफिट मिलेगा। इसी की वो बात कर रहा है कि भैया हम उत्पादकता में भले से आगे हैं, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात किया जाए तो औसत उत्पादन में हम दुनिया के सिर्फ 50% के बराबर है। इसीलिए कम उत्पादकता का जो मुख्य कारण है कि ये कारण भी जो बताया है, मुख्य रूप से जो अनुवांशिक स्टॉक में गिरावट की बात की है उसने, खराब पोषण की उसने बात किया है, अवैज्ञानिक प्रबंधन की जो बात किया गया है, कारण जिम्मेदार है। अगर हम टेक्नोलॉजी के अनुसार चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरों से हम अच्छा ही करेंगे। तो वही उसने कहा है कि गाय और गाय आधारित जो भी कृषि है और यह गाय आधारित जो भी उद्योग है, उस उद्योग के बारे में प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ चलने की जरूरत है आपको। और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जो गरीब समाज है, उस समाज के सामाजिक और आर्थिक कायाकल्प के लिए तुरंत इसे ठीक करने की आवश्यकता है, उसी को करने की जरूरत है, इसलिए किया जा रहा है। इसको आराम से पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है, मस्त होके पढ़िएगा, पेपर में पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है, ये सब चीजें हो गई, अब परिवार विवार पे आ जाते हैं हम लोग। 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत में बढ़ता कुपोषण, तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। जो क्या कहती है आप लोग, क्या कहता है बताइए, यूथ क्या कहता है आजकल का? ठीक है, तो इसके बारे में पढ़िए क्या है। तो इस टॉपिक को आराम से पढ़ लीजिएगा, जो चर्चा की गई है गूगल मिशन का, गायों को प्रमोट करने की, नस्ल की प्रमोट करने की, रिसर्च करने की, एक चीज से कई चीजें हो जाएंगी, जाहिर सी बात है समय के साथ बदलना भी जरूरी है। अगला जो टॉपिक है आपका, 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत में जो बढ़ता कुपोषण है, द फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंक्रीजिंग मेलन्यूट्रिशन इन इंडिया। ठीक है, कुपोषण की बढ़ती जो समस्या है, पहले तो आप हमको ये बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका नाम सुना है आप लोगों ने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक जिसको मैं बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख दूं, बताइए भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताओ, भारत की रैंकिंग क्या है, कोई बता सकता है कमेंट करके? 2020 में मैं पूछ रहा हूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, बताइए सभी के सभी, चर्चा में क्यों है, क्या है ये चीजें, कोई भी जल्दी जल्दी इन सब चीजें सभी के सभी, फिर हम पढ़ाएंगे आपको राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5वां जो हुआ है, और भारत में कुपोषण क्यों बढ़ रहा है, क्या ऐसी बात है, कोरोना महामारी तो खैर हम लोग झेल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, वैश्विक महामारी थी, सबके लिए थी, हमारे लिए भी थी, ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए कुछ स्पेशल था, सबके लिए थी, क्या बड़ा क्या छोटा, सबके लिए महामारी थी। तो इतना बड़ा देश है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है कोशिश की जा रही है, पहले से स्थिति बढ़िया है ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश हो रही है, अच्छी हो रही है और प्रयास किए जा रहे हैं, देखते हैं। और कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की रैंकिंग और कोई है महारथी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी के सभी। चलिए
देखते हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने बताया है। एक बार घर पे जाइएगा और एक बार चेक कीजिएगा आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है और एशिया में क्या है इसका स्थान। क्या एशिया में ऐसे भी कोई देश है जो भारत से अच्छे पोजीशन में है? हम इतनी बड़ी बड़ी बात तो कर लेते हैं, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि बेसिक नीड है हमारी, जो भुखमरी सूचकांक, और इंसान को तो रोटी कपड़ा और मकान सबसे बेसिक नीड होती है उसकी, और कोई? ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बाकी कमेंट करते रहिए आप लोग, ठीक है? चलिए, हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मंत्री जी कौन है कमेंट करिए और बताइए आप सभी के सभी, कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है किन से मंत्री जी काम करते हैं, मतलब मंत्री कौन है, कोई तो होगा ना इस मंत्रालय के अंतर्गत। अगर परिवार और स्वास्थ्य की बात हो रही है तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय होगा, कोई तो मंत्री होंगे आपके, नाम बताइए उनका कौन है वो, क्योंकि वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट वो आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है वो, केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने कोरोना के महामारी के समय में, अच्छे अच्छे डिसीजंस भी थे उनके, पीएसए से डॉक्टर भी थे पहले, अरे यहाँ तक हिंट दे दिया, और कोई? दिल्ली के पूर्व सीएम भी थे, और बताओ, पहले थे बीजेपी से ही आते हैं, और बता बीजेपी से ही है जाहिर सी, तभी तो केंद्रीय मंत्री हैं, और बताओ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, कौन से मंत्री जी हैं, और कोई? कोई तो होगा, हाँ चलो कोई नहीं, हम ही बता देते हैं, चलो बेटा हम ही नहीं बताएंगे, घर पे जाके पढ़िएगा शांति से आप। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2015 से लेकर 2019 के बीच में बच्चों में कुपोषण का स्तर बढ़ा है, ऐसा सर्वे आया है, ठीक है? यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं उसके मुताबिक यही कहा गया है कि सर देखिए ऐसा है कि 2015 से लेके 2019, अब देखो यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे भी थे, मोदी जी यहाँ पे भी थे, ठीक है, क्योंकि 14 से तो वही है। तो हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो भी आंकड़े जारी किए गए उस आंकड़े में ये बताया गया, आंकड़े में ये बताया गया है कि भैया देखो ऐसा है कि 15 से 19 के बीच में बच्चों में कुपोषण का स्तर जो है, जो लेवल है वो बढ़ा है, ठीक है? यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट होंगे, और ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, इससे जुड़ जाइएगा, जो भी इंफॉर्मेशन देना है, मैं बार बार कहता हूँ कि सब कुछ इसी में देता हूँ, टेलीग्राम ये कोड है, इस कोड का भी कभी काल यूज कर लिया कीजिए सब्सक्रिप्शन का, ठीक है? PJ01। आगे बढ़े, डन, और भी देखिए क्या क्या है, और भी यही है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 2019-20 के पहले चरण के आंकड़ों को जारी किया है, तो आंकड़े जारी किया है, बताया है कि भैया इसी इसी बात है, और इन आंकड़ों में देश में बच्चों के कुपोषण के प्रति काफी चिंताजनक स्थिति प्रकट होती है, इन आंकड़ों को देख के और खुशी मिलेगी ये बताओ, तो इन आंकड़ों को देख के काफी चिंताजनक स्थिति प्रकट होती है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें बताए गए हैं कि भैया कुपोषण की संख्या जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, भारत में कुपोषण का स्तर बढ़ा है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने एक रिपोर्ट जारी किया है, और इस रिपोर्ट में कहा है जो पहला जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया है उसमें इसने बताया है कि, मतलब पहला नहीं, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो किया गया है पांचवा जो है 19-20 के पहले चरण के आंकड़ों को जारी किया है, और इन आंकड़ों में यही बताया गया कि देखिए सर बच्चों में कुपोषण के प्रति काफी चिंताजनक स्थिति प्रकट होती है जो देख के लगता है, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि देश में 15 और 19 के बीच बच्चों में कुपोषण का स्तर बढ़ा है, और यह स्थिति तब पैदा हुई है जब भारत में सैनिटाइजर की सुविधा में सुधार हुआ है, सैनिटेशन सॉरी सैनिटेशन की सुविधा में सुधार हुआ है, देखो सैनिटाइजर इसलिए मैं कह दिया था भूल के, इसलिए मिस्टेक हो गया, आदत हो गई है ऐसी चीजों की, कोरोना महामारी के समय में सैनिटाइजर सैनिटाइज करने का, तो सैनिटेशन की सुविधा में सुधार हुआ है, और लोगों को अब पहले के मुकाबले अच्छी पेयजल की सुविधा मिल रही है, ठीक है? तो ये भी चीजें आप देख लीजिएगा, चलिए और भी बढ़ते हैं आगे, ये सब ऐसी चीजें हैं आप लोग समझते भी होंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़े 17 राज्यों से संबंधित हैं, जिनमें हमारा महाराष्ट्र भी है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले थे पहले, अब दिल्ली में कोरोना के मामले हैं शायद, है? महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं, और इसके अतिरिक्त 5 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सहित भी इसमें शामिल हैं, यानी कि जो नवीन आंकड़े आए हैं उसमें 17 राज्यों से संबंधित है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, और इसके अतिरिक्त 5 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, ठीक है?
और भी देखिए कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चरण दो में बाकी बचे राज्यों के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनमें अपना उत्तर प्रदेश भी है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और पंजाब है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं जिसके परिणाम मई 2021 में उपलब्ध होने की उम्मीद है। तो हमारे वाले आए तो हम भी देखेंगे, ठीक है? तो भाई कोई नहीं, पहले हम लोग इंडियन हैं, फिर बाद में देखा जाएगा सब चीजें, ठीक है? ये तो चीजों को देख लीजिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीन आंकड़े, जिसमें कौन कौन से क्या क्या राज्य है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, और सेकंड वाला जो लिस्ट आई है उसमें भी देख लीजिएगा कि इसके परिणाम मई 2021 में उपलब्ध होने की उम्मीद है, ऐसी जताया जा रहा है, ये भी देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया और भी बात करते हैं, और क्या है कुपोषण के मामलों में विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है, देखते हैं कौन है महान आत्मा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 20 के पहले चरण के आंकड़ों में 17 राज्यों की बाल कुपोषण की स्थिति स्पष्ट की गई है, जो मैं बता चुका हूं वही पॉइंट में बता रहा हूं, और आंकड़े यही बताते हैं कि कई राज्य बाल कुपोषण जो 5 वर्ष के जो नीचे हैं, कई मानकों में नीचे चले गए हैं, और बाल कुपोषण के ये मानक निम्नलिखित हैं, जिसमें चाइल्ड स्टडिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चिल्ड्रेन अंडरवेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जिसे शिशु मृत्यु दर है, यानी कि जो पैमाना लिया गया है, इस पैमाने को देख लीजिएगा आप लोग, कई मानक जो है, जो मानक में आपके चाइल्ड स्टडिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चिल्ड्रेन अंडरवेट है, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर जिसे कहते हैं, तो ये चारे मानक ले गए हैं। और उल्लेखनीय है कि बाल कुपोषण के उक्त मानकों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे कई विश्व सूचकांकों में उपयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में पूछा भी था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, भारत की क्या पोजिशन है, और इसके साथ ही साथ ये भी चीज याद रखिएगा कि आजकल पेपर में 20 का तो पूछेगा ही, 2-3 साल पहले का भी आंकड़ा पढ़ लिया कीजिएगा, 18 से लेके 19, 20 तीनों का, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं, वहां पे दे देगा कि 2018 में इतने रैंक पे था, 2019 में इतने रैंक पे था, 2020 में इतने रैंक पे था, उपरोक्त में से कौन सा खटन सत्य है, आपको पढ़ना है, जब पूरा पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा वो चीजें, ठीक है? तो इन सबको देख लीजिएगा। तो ये जो आंकड़े हैं, जो जो पैमाना है, इस पैमाने को ही लेकर चलता है, जिसमें चाइल्ड स्टडिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चिल्ड्रेन अंडरवेट है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है, जिसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं, और जैसे मैंने कहा कि इसी आंकड़ों का यूज जो है कुपोषण के उक्त मानकों का जो उपयोग किया जाता है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी किया जाता है, जो वैश्विक सूचकांकों में इसका उपयोग किया जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। और देखिए सब कुछ तो देख ही रहे हैं, और देखिए स्थिति क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग्स मतलब बच्चे में दुबलापन, मानकों में बच्चों की लंबाई के अनुपात में उसका अगर वजन कम मापा जाता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स मापा जाता है, इसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं, और भारत में चाइल्ड जो वेस्टिंग की दर पहले से ही ज्यादा रही है, और विभिन्न उपायों के बावजूद भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर कम होने की बजाय बढ़ रही है, और कई राज्यों जैसे तेलंगाना है, केरल है, बिहार है, असम है, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चाइल्ड वेस्टिंग की दर में इजाफा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस मानक पर स्थिर बने हुए हैं। तो जो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब बच्चों में दुबलापन, मतलब पतले जो बच्चे पैदा हो रहे, छोटे बच्चों की जो मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों की लंबाई के अनुपात में उसका वजन मापा जाता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स मापा जाता है, वजन बढ़ेगा लंबाई बढ़ेगी, वजन का मापा जाता है उसका बॉडी मास इंडेक्स, और भारत में तो चाइल्ड वेस्टिंग की दर पहले से ज्यादा ही रही है, और विभिन्न उपाय तो किए गए हैं, इसके बावजूद भी भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर कम होने की बजाय बढ़ी रही है, जैसे राज्य है तेलंगाना, केरल, बिहार, असम, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चाइल्ड वेस्टिंग की दर में इजाफा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल अभी ठहरे हुए हैं, स्थिर बने हुए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक रहना रहे, हाँ चलिए कोई नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। खैर और भी बात करते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है बच्चों में नाटापन या कम लंबाई, ठीक है? ये तो पतलापन था, वेस्टिंग्स। स्टंटिंग का मतलब ये होता है नाटापन, जो बच्चे देख ही रहे हैं वैसे भी कहाँ बड़े हो पा रहे हैं, देख ही रहे हैं कितनी समस्याएं हैं। तो चाइल्ड स्टंटिंग मतलब बच्चों में नाटापन या कम लंबाई की जो मैं बात कर रहा हूं, कि मानक में उम्र के अनुपात में बच्चों की वृद्धि मापी जाती है, और सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चाइल्ड स्टडिंग का अनुपात बढ़ा है, और अगर हम बात करें चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, जिसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं, वो उसका भी मतलब आप देख लीजिए कि जो मानक तय किए गए, और इसी मानक को लेकर देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भी यूज किया जाता है इन सब चीजों को। तो जो चाइल्ड स्टडिंग समझ में आ गया क्या होता है, ये नाटापन या कम लंबाई क्या होता है,
मानक के में उम्र के अनुपात में इसके बच्चों की वृद्धि मापी जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, जैसे आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कितना आप लंबाई आपकी बढ़ रही है। फिर जब कहते हैं ना आपकी लंबाई बढ़ गई है, यानी कि 1 साल बड़े हो गए हो, आज बर्थडे है, कल दूसरा, मतलब आज 19 साल के हो, कल आज बर्थडे है, कल दूसरा 20 तारीख 20वां साल में चले जाओगे, लोग कहते हैं ना तुम्हारी लंबाई बढ़ गई है। अरे बेटा यही है, देखो पहले कि चाइल्ड स्टडी मतलब ये होता है कि मानक में उम्र के अनुपात में बच्चों की वृद्धि मापी जाती है। और जैसे मैंने बताया राज्यों का नाम पढ़ लीजिएगा, और मॉर्टेलिटी रेट देख लो शिशु मृत्यु दर का, मतलब क्या है कि 1,000 जीवित बच्चों के जन्म के पर होने वाली मौत की संख्या होती है, जो आयु वर्ग है 1 से 5 की बात कर रहा हूं मैं। और सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक 2015-19 की अवधि में इस मानक में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, इसलिए देख ही रहे हैं रिपोर्ट आया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। और भी देखिए चिल्ड्रन अंडरवेट का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन अंडरवेट का मतलब यही होता है कि बच्चों की लंबाई की तुलना में कम वजन के मामले में उसका वजन जो मापा जाता है, जो जैसे मैंने बता चुका यही चीजें हैं, चिल्ड्रन अंडरवेट जो बच्चों की लंबाई की तुलना में कम वजन के मामले में बच्चों की लंबाई के अनुपात में उसका वजन मापा जाता है। और उसमें कई बड़े राज्य आते हैं जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, असम है, और केरल में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसको भी आप आराम से देख लीजिए। और भी देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों, कोई भी डाउट है किसी को भी, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में जो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मतलब ये पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट है किसी को भी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों, कोई भी डाउट किसी को बेहिचक पूछ सकते हैं। सब चीजें आज पढ़ाई गई हैं, इजराइल और भूटान का संबंध पढ़ाया गया आपको, ठीक है, कामधेनु आयोग का गठन भी करवा दिया गया साथ में साथ, ठीक है, तो आराम से सब पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, टेंशन फ्री पढ़िए, और चीजों को लिखते चले जाइए, चीजों को अपने तरीके से एनालिसिस करते चले जाइए, और धीरे धीरे चीजें आपको खुद पता चल जाएगी कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, और कोई कुछ की कोई समस्या, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं आप लोग। और कोई और किसी कुछ कहना है? ठीक, चलो हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, NFHS, क्या होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो हेल्थ सर्वे है फैमिली का, परिवार का सर्वे, हेल्थ सर्वे है, क्या है पता करते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में भारतीय परिवारों के एकत्र किए गए विभिन्न नमूनों का एक सर्वेक्षण है। क्या है भैया, जब परिवार की बात हो रही है, परिवार के स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो ये क्या है, संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में भारतीय परिवारों के एकत्र किए गए विभिन्न नमूनों का एक सर्वेक्षण है। और इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करता है। इसमें सब आ जाएगा, जब परिवार के स्वास्थ्य ही की बात हो रही है तो इसमें सब तो वैसे भी आ जाएगा। तो राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है वो के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन, शिशु और बाल मृत्यु दर, इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या हो पूछिए, कोई भी समस्या किसी को हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और भी देखिए वही जो प्रत्येक क्रमिक दौर के दो विशिष्ट लक्ष्य के लक्षण होते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा नीतिगत कार्यक्रम और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का डेटा प्रदान करता,
ठीक है, ये भी एक काम है। दूसरा ये है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मुद्दे के महत्वपूर्ण उभरते पर जानकारी प्रदान करना, जो इसके दो विशिष्ट लक्ष्य हैं, जो टारगेट है वो टारगेट यही दोनों है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा नीतिगत कार्यक्रम और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का डेटा प्रदान करना, और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मुद्दे के महत्वपूर्ण उभरते हुए जानकारी प्रदान करना। तो ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भी आप लोग देख लीजिए। और भी हम आगे बात करते हैं, देखिए क्या है और बात। ठीक है, इसके साथ है कि निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों के सहयोग से इसे तैयार किया जाता है, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई है, ठीक है, ये प्रमुख संस्थानों में से ये भी है, इसके द्वारा भी जारी किया जाता है। ORC मैक्रो मैरीलैंड समुदाय अमेरिका, इसके द्वारा भी है, ये भी है, इसमें सहयोग किया जाता है इंस्टीट्यूट का। और ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके द्वारा भी सहयोग द्वारा है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सर्वेक्षण के लिए IIPS को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही साथ नेशनल हेल्थ वही जो है अपना है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। और पहला जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो ज्वाइन किया स्टार्ट किया गया था 1992-93 में आयोजित किया गया था। देख लीजिएगा ये सब चीजें भी हैं तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो पहला हुआ था 1992-93 में हुआ था। और इसकी जो मैं बात करूं तो ये जो है कईयों के सहयोग से तैयार किया जाता है। कुछ प्रमुख संस्थान है जिसमें से मुंबई का भी है, अमेरिका का भी है और होनोलुलु अमेरिका का भी है, तो इसको भी आप लोग आराम से देख लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया है मुद्दे वाली बात, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, इसका क्या कहना, दोनों के दोनों तो वही है, लेकिन फिर कोई नहीं, पढ़ना तो है ही, कई बार पढ़ा भी चुका हूं। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है, कहना बस यही है कि देखो चीन है एक पाकिस्तान है। चीन के राष्ट्रपति का नाम पहले आपको बता दीजिए, और पाकिस्तान के हमारे प्रधानमंत्री का नाम जरूर बताइए जो क्रिकेटर सर थे, बताओ उनका नाम। चीन के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट कौन है, कोई है ऐसा जो बता सके? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी तो चीन और पाकिस्तान का मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो उत्तरी कोरिया का नाम ही नहीं लिया मैंने। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है बेटा, दो तीन टॉपिक और बचा है, कर लिया जाए इसको भी। हाँ जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आप बताइए कि चीन पाकिस्तान आर्थिक जो गलियारा है CPEC जो है उसमें हम जो पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है, पहले तो आप हमको ये बताइए कि राष्ट्रपति कौन है चाइना के, चीन के राष्ट्रपति कौन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी। चीन के राष्ट्रपति कौन है, आर्थिक गलियारा की जो बात हो रही है आप हमें ये बताइए कि चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो चर्चा में क्यों है भाई, चर्चा में क्यों है, इसी को हम चर्चा करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान की संसद ने, देखो चीन जो है सबको पैसा देके मुंह बंद कर दिया, कई बार बता चुका हूँ, सबको पैसा दो उसका मुंह बंद कर दो, एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि इंडिया प्रॉमिस चाइना डिलीवर। तो ये चीन चाइना ही है जो अब देखो पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, ये भी कहा गया था कि इसके चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था ये। और तो और देखो सब जगह चाहे कोरोना भी झेल रहा है, चीन देखो खत्म कर रहा है अपनी कहानी, ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बना रहा है। सोचो हम लोग भी सब परेशान है, अर्थव्यवस्था चरम सीमा पे है, देख ही रहे हैं क्या हो गया अर्थव्यवस्था का, लोगों के पास रोजगार तक खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, देख ही रहे हैं आप लोग वैश्विक लेवल पे जरूर बात कर रहे थे। लेकिन ये जो है ये विकास करने पे लगा हुआ है, इसको पता नहीं कौन सा विकास इसको मिलेगा। तो खैर हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा की बात कर रहे हैं, ये कौन सा गलियारा था, क्या संसद में आया विधेयक, कौन सा क्या हुआ, सब इसमें बात करें। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की संसद ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से संबंधित एक विधेयक को पारित किया है। किसने किया है भैया, पाकिस्तान की संसद ने किया है, वहां पे भी संसद है बेटा, जिसके PM जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हुए थे। ठीक है, यह जो विधेयक है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर सेना का नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाएगा, इसीलिए एक विधेयक लाया गया है। हम लोग तो विरोध कर रहे हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का, लेकिन पाकिस्तान की संसद ने
चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से संबंधित एक विधेयक को पारित किया है, और इस विधेयक में यही कहा गया है कि चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है उस गलियारे पर सेना का जो नियंत्रण है ना अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाया जाएगा, जनता है उससे ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इतना भी सो कम लग रहा है। अरे यार क्या बताया जाए इसको, कितनी बार समझाया गया है, समझ नहीं रहा ये पाकिस्तान, दोनों दोनों वही है। चलो और आगे देखते हैं क्या है, दोनों पड़ोसी हैं लेकिन समझते नहीं है पड़ोसी का धर्म कैसे नहीं है। चल चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर देखते हैं। कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान की एक संसदीय समिति ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी, संसद में ही दी जाएगी, और अब इस विधेयक को पाकिस्तान की संसद ने भी पारित कर दिया है। तो वहां ने कर दिया तो ये भी कर दिया। ठीक है, और इस विधेयक के पारित होने से जैसे मैंने कहा कि अब जो सेना का जो नियंत्रण होगा अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाएगा, बस वही बताया गया भी है आपको, यानी कि पहले जो सेना का जो नियंत्रण था वो अभी कम पड़ रहा था, इसको और बढ़ाना है सभी। ठीक है, इसलिए विधेयक लाके आया सब 2020 की, मजाक थोड़े है, हम विधेयक लेकर आएंगे तो विधेयक लेकर आए हैं सब 2020 का कि देखो हमारी जितना सेना है और बढ़ाओ इसको और भौकाल टाइट करो, तो अभी पाकिस्तानी जो सेना का नियंत्रण जो होगा अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाया जाएगा। किससे डरे भाई, किससे डर रहे हो इतना, किस बात का डर है कि जैसे सेना को बढ़ाने की तुम बात कर रहे हो, तुम खाली सेना ही बढ़ाते हो, कंपनी वंपनी ना खोलना, लोगों को रोजगार ना देना सही से, वहां के भी लोगों का भी मन करता होगा ना शांति अमन चैन से रहने के लिए, तो ये लगे हुए हैं भाई। खैर हमारे प्रधानमंत्री जी आए इमरान साहब तो लगा कि हाँ कुछ अलग होगा, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर का ही केस देख लीजिए आप लोग, क्या से क्या कर गए हैं। वो जो देखते देखते क्या हो गए। ठीक है, तो देख लीजिए इनको भी, चलिए कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, और आगे बढ़ते हैं, किससे डर है इनको। चलो पृष्ठभूमि पे आते हैं, बैकग्राउंड पे चलते हैं। वर्ष 2019 में पाकिस्तान में इमरान सरकार जो है क्रिकेटर साहब, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के समय पर निष्पादन के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया था। जब आए थे भाई साहब 2019, मतलब 19 में जब पाकिस्तान में इमरान सरकार ने क्या किया था कि चीन जो पाकिस्तान सीपीईसी जिसे कहते हैं हम भाषा में शॉर्टकट में सीपीईसी, याद रखिएगा चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, तो उन्होंने क्या किया था कि उसके निष्पादन करने के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक प्राधिकरण ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया था, और चीन ने सीपीईसी के संबंध में धीमी प्रगति पर निराशा व्यक्त की थी। आप बेटा पैसा दे रहे हैं यार और तुम लोग ऐसे काम करोगे, ये गलत है, वो जानते हैं चाइना चाइना है, खुरापात तो उसका चलता ही रहता था, तो चीन ने सीपीसी के संबंध में धीमी प्रगति पर स्लो प्रोसेस पर निराशा व्यक्त की थी जिसके कारण यह अध्यादेश गया था। ठीक है, चीन की मंशा थी कि सीपीईसी पर पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण ज्यादा बढ़े, इसीलिए प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी लेफ्टिनेंट जनरल असीम अली बजवा जो सेवानिवृत्त हैं प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष भी बने थे। सोच लो वहां तो सेना ही है सब कुछ, सरकार पता नहीं चलता सरकार है भी कि नहीं, सब सेना ही है तो वो क्या है सब। खैर क्या बोला जाए, खैर तो यही सब चीजें थी, धीरा प्रगति हो रही थी, चाइना ने कहा देखो ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा, शांति से काम करो जो कर रहे हो, ठीक है तुम अपने सैनिकों को बढ़ाओ, तो जब वो हड़काएगा वो पैसा दिया है उसको गुलाम बना दिया है तो करना ही पड़ेगा उनको, कर रहे हैं वो, फाइनल सिलेक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में है वो, बार बार वीटो पावर का यूज कर लेता है चाइना बचाने के लिए, कितने कितने टेररिस्ट वहां पे पड़े हुए हैं सर, उनका लिस्ट है अमेरिका के पास, प्रतिबंध भी लगाया गया कई सारे आतंकवादी संगठनों पर, लेकिन खैर उसका एक मित्र है, अभिन्न मित्र है चाइना, देखते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, खैर बहुत बार बोल चुका हूँ ये सब चीजें। तो चीन की यही मंशा थी कि सीपीईसी पर पाकिस्तानी सेना का जो नियंत्रण है ज्यादा बढ़े, तो बढ़ा दिए सब विधेयक लाके, इसीलिए प्रधानमंत्री इमरान खान के जो करीबी सहयोगी थे लेफ्टिनेंट जनरल असीम अली बाजवा, नाम ही ऐसा है देखो, सेवानिवृत्त प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष ट्रिब्यूनल के बने हुए थे। ठीक है, जो 2019 में जो अध्यादेश लाया गया था इमरान सरकार के द्वारा, और भी देखते हैं, पृष्ठभूमि हो गया, अब हम मुद्दे की बात करते हैं, और भी देख लीजिए कि 2020 के विरोध के कारण भी देख लीजिए, कारण यही है कि भैया पाकिस्तान के विभिन्न विपक्षी दल जो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हस्तक्षेप से चिंतित हैं। भाई वहां पे भी तो विपक्ष है, हम लोग तो है ही विपक्ष में, वो भी बीच विपक्ष में, वहां के जो विपक्षी जो दल होंगे जो सत्ता में नहीं है, सत्तारूढ़ अभी नहीं है,
तो वो भी विरोध कर रहे हैं, भैया देखो तुम गलत कर रहे हो, ये सब बहुत गलत है, सेना को तुम इतना इन्वॉल्व कर रहे हो तुम। तो पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हस्तक्षेप से चिंतित है, और चिंता होना भी चाहिए, हमको भी है उनको भी है। और उन्हें लगता है कि इससे लोगों द्वारा चुनी गई नागरिक सरकार की जो शक्ति होगी वो कम होगी और सेना का नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक स्थापित होगा। मैंने कहा भी है कि लगता भी नहीं है कि वहां पीएम है भी कि नहीं है, जब सब सेना ही है तो आप क्या है, चुना गया सेना को, जनता ने आपको चुना है। तो जो विपक्षी दल है उनको ऐसा लगता है कि यार किसे क्या कर रहे हो तुम, अरे तुम कमाओ यार, तुम डेवलपमेंट करो, तुम लगे हो उसी को बढ़ाने, सेना बढ़ाओ सेना बढ़ाओ, वो भी बढ़ाते चले जा रहे हो तुम, अरे जनता के लिए कुछ करो यार। विपक्ष है, मुद्दा उठा दिया, हम तो उठाएंगे, वो भी उठा रहा है वहां पे बैठ के। तो जैसे मैंने कहा कि नागरिक सरकार की शक्ति कमजोर होगी क्योंकि जनता ने आपको चुना है, सेना को नहीं, आपको चुना गया है सर, आप पीएम है वहां के, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये वहां के लोगों को रोजगार स्थापित कराए। खैर ये जो चीजें थी वो हो गया। इसके अतिरिक्त विपक्षी दलों के सदस्यों का कहना है कि सीपीईसी जो ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया है, और बिना विचार किए ही कर दिए हैं भाई साहब अध्यादेश पारित, बाजवा को बना दिया गया उसका ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष, वो भी सेवानिवृत्त जो है लेफ्टिनेंट, फिर भाई जाहिर सी बात है विपक्ष होता किस लिए, उससे भी ये लोगों ने नहीं मिले। और नए प्राधिकरण के गठन से सीपीईसी परियोजना पर काम तेज होने के बजाय इन पर प्रभाव पड़ेगा, और जब पड़ेगा तो फिर वो बोलेगा चाइना, तो यही बात है, और इसीलिए उसने बोला भी है और उसने कहा भी है। तो ये सब चीजें हैं, इसकी पृष्ठभूमि में ये सब चीजें भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक जो गलियारा हमारा है जिसे चाइना पाकिस्तान सीपीईसी जिसे कहते हैं, वो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना जो जिसे ओबोर वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा है, यानी कि ओबोर का ही एक हिस्सा है सीपीईसी, ठीक है। और साल 2014 में देखो इतफाक भी है, मोदी जी उसी साल आए हुए थे मई में, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पार्ट वन जो था, मोदी जी जो अब 2.0 चल रहा है, तो मोदी जी 2014-2019, तो साल 2014 में चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की आधिकारिक रूप से घोषणा की थी उसी साल, और जिसके बाद 2017 में चीन और पाकिस्तान ने इस आर्थिक गलियारे की योजना को 2023 तक पूरा करने की योजना को मंजूरी दी कि भैया देखो ऐसा है कि हम 14 में तो घोषणा कर रहे हैं, 17 में काम स्टार्ट कर रहे हैं और 23 में पूरा कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई कहानी में कोई कमी हो तो बताइए, इसके बैकग्राउंड में कोई कमी है, किसी को कुछ पूछना है तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। वन बेल्ट वन रोड उसी का एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो है, जो चीन चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की ही है, और 14 में मोदी जी भी आए, 14 में उधर भी खेल खेलनी है सब, वो सब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की आधिकारिक घोषणा उन्होंने की, 17 से कहा कि भाई 23 तक काम खत्म किया जाए, और काम में कमी हुई है तो जाहिर सी बात है चाइना भड़का हुआ है, जो वो पैसा लगाया है तो फिर गुलाम तो उनको बना के रखेगा ही। खैर और भी बात कर लेते हैं, इसके साथ ही साथ मुख्य तौर पर यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के कासागर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा, क्योंकि उसको तो रेवेन्यू से मतलब, पैसे से मतलब है चाइना को, कि ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है जो उसी में मैं बता रहा हूँ, ये मुख्य तौर पर यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के जो कासागार प्रांत है उसको पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा, और इसके साथ ही साथ इस परियोजना में पाकिस्तान में बंदरगाह, सड़कों, पाइपलाइंस, दर्जनों फैक्ट्री और एयरपोर्ट जैसे कई अवसंरचना निर्माण शामिल है, ठीक है ये भी है। और इसके जरिए चीन जो है अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक अपनी कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, देख ही रहे मोतियों की माला हर जगह से घेरने की हमको कोशिश कर रहा है वो। खैर ये सब देख लीजिएगा आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। ओबोर क्या है, जो उसी की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है, ये भी जान जाओ कि ओबोर क्या है, वन बेल्ट वन रोड क्या है, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर क्या है, ठीक है। चलिए वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से चीन जो है प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित कर रहा है। देखो ये सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट लिखा भी है यहाँ पे, सेंट्रल एशिया देखिए यहाँ पे है, यूरोपीय यूनियन यहाँ पे है, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे है, ठीक है। तो इस चीजों को देख लीजिए, मैरीटाइम सिल्क रोड ये है, देखो इसी को जीवित करने की बात वो कर रहा है। खैर तो चलो देखते हैं जीवित करे, देखते हैं कब तक करता है। तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से चीन जो है
प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित कर रहा है, और इसके महत्वपूर्ण परियोजना के जरिए चीन जो है सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप, देखो मध्य एशिया से लेकर यूरोप और फिर अफ्रीका तक स्थलीय व समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। मतलब हर जगह से घुमा फिरा के हम लोग को घेर ही रहा है कुल मिला के। इसके साथ ही साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी चीन की वन बेल्ट वन परियोजना का हिस्सा है, जिस पर भारत की हमेशा से आपत्ति रही है और रहेगी। ठीक है, तो इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा कि भैया ओबोर क्या है। ओबोर यही है, वन बेल्ट वन रूट है। ठीक है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है चीन की, इसको देख लीजिएगा। पुराने सिल्क रोड और चारों तरफ से घेर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या चीजें हुई है, सब बताई दिया हूँ, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कई बार बता भी चुका हूँ सब चीजें। और भी देखो बेटा, जितना देखना है, चिंताएं क्या है गलियारा की भारत पर, भारत की क्या चिंताएं हैं, चिंता है तभी तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो चीन पाकिस्तान और इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जिसे पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, यही हमारी चिंता का विषय है, जो कि संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है। चीन ने इस गलियारे के विकास के लिए भारत से कोई इजाजत नहीं ली है। बिना इजाजत के तुम कर लोगे काम, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसे कैसे होगा भाई, तुम दबंग हो, हम नहीं दबंग है, ये बताओ। तो ये जो गलियारा गुजर रहा है वो पीओके से होकर गुजर रहा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो किसे कहते हैं, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भी संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है। जब हमारा ही हिस्सा है तो तुम कैसे कर लोगे भैया बिना हमारे परमिशन के। विवादित विवादित यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान अधिकारित कश्मीर पर केवल पाकिस्तान इजाजत से किसी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का संचालन पीओके पर पाकिस्तान के स्वामित्व और कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कारण बन सकता है, जो भारत का नहीं चाहता है। और ये सब तो लड़ाने वाले है ही है, बैठा हुआ कई लोग बैठे हैं, कई सारे विलेन हैं, कब मौका मिले मार के चौंक ये सब। तो यही चीजें हैं, पीओके से वो गुजरता है, जिससे भारत को आपत्ति है कि भैया बिना मेरे परमिशन के तुम काम कैसे कर दिए, पहले तो ये बताओ, ये तो संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है और तुम उसमें काम स्टार्ट करवा रहे हो, ये गलत है, दिस इज नॉट फेयर है। तो विवादित पाकिस्तान जो है, अधिकृत जो कश्मीर है पर केवल पाकिस्तान इजाजत से, पाकिस्तान की इजाजत से किसी अंतरराष्ट्रीय परियोजना का संचालन पीओके पर पाकिस्तान के स्वामित्व और कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कारण बन सकता है, जो भारत नहीं चाहता। तो यही सब चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा क्या समझाया जाए, कितनी बार समझाया जाए। और भी देखिए कि सीपीईसी और ग्वादर के विकास के पीछे अपनी आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित और छोटा करने के साथ साथ हिंद महासागर में उपस्थिति को मजबूत करने की चीनी योजना है। जैसे मैंने कहा अभी, एक हर जगह से घेर ही रहा है वो आपको, और ये व्यापक रूप से चीनी उपस्थिति को बढ़ाकर हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कम कर सकती है। यही मैं जो चीज कर रहा था, हर जगह से घुमा रहा है हमको। इसके साथ ही साथ सीपीईसी रणनीतिक रूप से भारत को घेरने की योजना हो सकती है, क्योंकि सीपीईसी चीन के लिए पूर्णतः मुक्त यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाता है, और किसी विषम परिस्थिति में भारत की पश्चिम पर चीन अपने हथियारों और सेना के साथ पहुंचकर पंजाब और राजस्थान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। सोचो, हमारे सिक्योरिटी के लिए भी ये खतरा है, और वैसे भी चाइना एक खतरा ही है यार, और पाकिस्तान का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो क्या बोला जाए। यही सब चीजें हैं, जाहिर सी बात है, हर आदमी अपनी सिक्योरिटी चाहता है, हर आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है। और हम तो देखो कश्मीर मुद्दे को लेकर आज तक सिक्योरिटी सुरक्षा देख ही रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर वो भी अमन चैन सर है, हम भी अमन चैन सर है, क्या तो बदमाशी करते रहते हुए। और भी देखिए, देखना हो तो और भी चिंताएं हैं, चिंताएं लाजमी भी हैं कि हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्वादर बंदरगाह का उपयोग केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, लेकिन दे हमको पहले, लेकिन भारत को यह चिंता है कि हिंद महासागर में अपना आधिपत्य सुनिश्चित करने के लिए चीन जो है ग्वादर में एक नौसेना बेस स्थापित कर सकता है। चाइना है, इंडिया प्रॉमिस चाइना डिलीवर, कुछ भी कर सकता है वो, इसीलिए थोड़ा सा डर है इस चीजों को लेकर। बेटा यहां तक रहने दें कि फिर और भी टॉपिक बढ़ा दें, जैसा आप लोग कहें। भारत पर चीनी आक्रामकता के विरोध वाला अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून जो है, कहिए तो मैं पढ़ा दूं, या तो कहिए अभी रहने ही दो, जैसा कहें आप लोग वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। कहिए तो मैं पढ़ा दूं, या तो अभी छोड़ दूं, जैसा कहिए आप लोग। एक मिनट वेट कर लीजिए, नहीं तो मैं इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर देता हूं। प्लीज वेट, प्लीज वेट बेटा, एक मिनट। प्लीज वेट बेटा, चलिए
ये भी देख लेते हैं। इसी के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर तो चलो हम लोगों ने पढ़ लिया। और भारत पर चीनी आक्रामकता के विरोध वाला अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून लाया गया है चर्चा में, क्यों है इस पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है कि भारत पर चीनी आक्रामकता के विरोध वाला अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून क्यों लाया गया है, तो लाने के पहले मैं यही कहूंगा कि बेटा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बता दो, समय कौन है, फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे। कोई है महारथी जो बता सके? चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पूरी कहानी खत्म कर दिया। भारत पर चीनी आक्रामकता के विरोध वाला अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून आया है, उसमें क्या है, चर्चा में क्यों है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलो कर ही लें कि अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा नीति विधेयक पारित किया है। क्या किया है अमेरिकी कांग्रेस ने, ध्यान से पढ़ लो, आधिकारिक तौर पर 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा नीति विधेयक पारित किया है, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता को भी शामिल किया गया है। यानी कि जो हमारी अमेरिकी कांग्रेस है, हमारी नहीं, जो अमेरिका की कांग्रेस है, उसने आधिकारिक तौर पर 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा नीति विधेयक पारित किया है, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, उस पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और देखिए क्या है चर्चा में है कि राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून जिसे नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट कहते हैं, NDAA पर राष्ट्रपति जब उस समय थे डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के उपरांत, मतलब बाद, यह अधिनियम कानून बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक में इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए कानूनी संरक्षण को रद्द करने की बात नहीं होने पर उसके खिलाफ वीटो के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। ठीक है, तो जो उस समय थे अब तो खैर बदल चुके हैं ये, तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए और आगे बढ़िए और देखो क्या है भैया NDAA, क्या है संबंधी जानकारी जानो, क्या क्या है कि 740 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून से संबंधित जानकारी देख लीजिए कि 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इस रक्षा विधेयक में पेंटागन के लिए 635.5 बिलियन डॉलर, ऊर्जा विभाग के तहत प्रमाण कार्यक्रम के लिए 26.6 बिलियन डॉलर समेत पेंटागन युद्ध खाते के लिए 69 बिलियन डॉलर के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ बिल में सैकड़ों द्विदलीय नीति प्रावधान शामिल है जिसके तहत पेंटागन के हथियारों की क्षमता को बढ़ाया गया है। और इस रक्षा विधेयक में सैनिकों की वेतन में 3% की वृद्धि का प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून में। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और देखो बेटा क्या क्या है इस पे, और देखो यह लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए गए 93F-35 जो फाइटर जेट्स की खरीद की अनुमति भी इसमें देता है। और बिल में 9 नए युद्धपोतों के निर्माण के लिए नौसेना को 23.4 बिलियन डॉलर का बजट भी प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अलग से 2.2 बिलियन डॉलर के बजट का प्रावधान करता है। ये सब चीजें जितना बजट उजट है देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा, ये चीजें हैं जितना है उतना मैं बता दे रहा हूं। और भी देखिए प्रावधान क्या क्या किए गए हैं भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता हेतु। प्रावधान में यही है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा पारित राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण जो कानून है, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है, विधेयक की संकल्प भाषा जो है अमेरिकी कांग्रेस के भारतीय अमेरिकी राजा कृष्णमूर्ति द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें चीन की सरकार की LAC पर भारत के खिलाफ सैन्य आक्रामकता को समाप्त करने का आग्रह किया गया है। देखते हैं और क्या है। इसके साथ ही साथ NDAA में ठीक है, भारत के साथ लगती सीमा के पास चीन की जारी सैन्य आक्रामकता पर काफी चिंता जताई गई है। और इसमें कहा गया है कि चीन को मौजूदा राजनीतिक तंत्रों के जरिए LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए और बल प्रयोग से विवाद सुलझाने की कोशिश से बचना चाहिए। और हम बच भी रहे, हम कौन सा झगड़ा कर रहे हैं यार, हम मतलब भारत, चाइना तो खुरापात में लगा ही रहता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बार बार टूटता है उसमें। तो यही सब चीजें हैं, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, इतना ज्यादा तो डीप पढ़ा ही चुका हूं मैं। ठीक है, और भी जानकारी देख लीजिए, जान लीजिए कि चीन और भारत के बीच इस साल मई में पूर्वी लद्दाख, जैसे बता ही चुका हूँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैनिक गतिरोध जारी रहा, देख ही रहे थे आप लोग डोकलांग का विवाद, और दोनों देशों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ये भी चीजें हैं, हमने सबको पता ही है। और भी देखो भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता है, NDAA के प्रावधान के निहितार्थ क्या क्या है, यह भी जान जाओ।
अमेरिका के कानून में ऐसे प्रावधान का समावेश भारत प्रशांत क्षेत्र के सहयोगियों विशेषकर भारत के साथ अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दर्शाता है। भाई वो हमारे साथ है तो अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ राजा कृष्णमूर्ति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को द्विसदनीय अमेरिकी कांग्रेस में भारी बहुमत से पारित किया गया था, ये भी अच्छी बात है। और यह चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भैया सुन लो, शांति से रहो अभी। और इस कानून में ऐसे प्रावधान है कि जो चीन और भारत के बीच सीमा पर हिंसा और चीन के बढ़ते क्षेत्रीय दावों पर अमेरिकी कांग्रेस की भावना व्यक्त करते हैं। तो ये भी चीजें हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मिनट रुक जाना बेटा, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज वेट, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज वेट, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज एक मिनट वेट कर लीजिए आप सभी के सभी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे और अच्छे से। ठीक है, एक मिनट बस रुक जाओ बेटा। प्लीज वेट, प्लीज वेट, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज एक बार वेट कर लीजिए। चलिए चलिए, हाँ ठीक है, तो ये देख लीजिएगा इसको भी, और हम बात कर लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं भारत के खिलाफ। इसके साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका राजनयिक साधनों का उपयोग करके भारत जैसे सहयोगी और साझेदारों के सीमा विद्रोहों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और शक्तिशाली ये कानून जो है भारत के साथ सीमा पर चीन की आक्रामकता और उसके बढ़ते क्षेत्रीय दावों पर अमेरिकी कांग्रेस की भावना व्यक्त करता है। ये सब चीजें देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा। तो हम तो बार बार समझाते हैं, वही नहीं मानता तो हम क्या कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, ठीक है। भारत के साथ सीमा पर चीन द्वारा सैन्य आक्रामकता पर महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त करते हुए एनडीएए में कहा गया है कि चीन को भारत के साथ कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूदा तनाव को कम करना चाहिए। भाई हम तो चाहते ही, वो भी यही कह रहा है, मान लो यार, मानता ही नहीं है। और सैन्य बल के माध्यम से यही बता ही चुका हूँ, विधेयक में यह भी कहा गया कि चीन जो है दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और भूटान के संबंध में भी आधारित क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और उसका तो आदत है, हमेशा ये सब करता रहता है। इन सब चीजों को भी देख लीजिएगा और भी देख लीजिए। और इसके साथ ही साथ चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, सभी लोगों ने पेपर में पढ़ा भी होगा। जबकि इसके विपरीत वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ताइवान के अभी इस क्षेत्र में अपने अपने दावे हैं। भैया तुम कैसे कर सकते हो यार, तुम होते कौन हो पहले तो बताओ, तुम हो क्या? अभी तो उत्तरी कोरिया वाला साथ बैठा हुआ है, तुम कौन हो? तो चीन जो है पूरे दक्षिणी चीन सागर पर, साउथ चाइना सी पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, कहता है हमारा है भाई, मान लो। ये भी कैसे मान ले तुम्हारी, बाकी लोग क्या करेंगे? तो इसके विपरीत जो है वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान के अभी इस क्षेत्र पर अपने अपने दावे हैं। इसके साथ साथ खनिज है, तेल है और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में चीन ने कई द्वीपों का निर्माण और सैनिकरण कर दिया है। वैसे ही शांति से बैठा हुआ है ताकि इस क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सके। पहले कहता है पैसा ले लीजिए, फिर कहता है कि वही अंग्रेजों वाले चाह पहले खूब पैसा लाओ, कुछ कुछ इंडस्ट्री लगाओ, फिर अपने लोगों को गुलाम बनाओ, वही काम किया ये भी वहां पे। फिर खनिज तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जो भरपूर है वो क्षेत्र और वैश्विक व्यापार के लिए इतना महत्वपूर्ण है वो एरिया, और इस क्षेत्र में चीन ने क्या किया है कि कई द्वीपों का निर्माण किया है और सैनिकरण भी कर दिया है। देखो बिना पूछे क्यों कर देते हो यार, पूछ लिया करो एक बार। और इस क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सके इसलिए किया है वो। और चीन द्वारा आधारहीन क्षेत्र दावों को आगे बढ़ाने के कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को प्रतिस्पर्धित करने के लिए अमेरिकी रक्षा बजट में 2.2 बिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया है। भैया इसको बैलेंस करो, रे बहुत पिटाओगे, समझ नहीं रहे हो तुम है? तो इसीलिए किया गया है चीन द्वारा आधारहीन क्षेत्रों को, जो बार बार आधारहीन क्षेत्रों में जो काम करने वाला कांड करते हैं, जैसे 1984 में कर दिए, भाई तुम्हारा क्षेत्र नहीं है तो क्यों उस पर दावा बार बार करते रहते हो? बाकी वाले भी तो दावा कर रहे हैं, भले निपट तो जाए है किसका, तुम हमेशा उस पर द्वीप बना दे रहे हो, तुम सैन्य अड्डा खचाड़ू कर दे रहे हो, तुम तुम्हारा मन जो भी करो सैनिकरण कर दोगे, तुम्हारा जो मन करो वही करोगे, बाकी लोग क्या करेंगे? ये सब चीजें हैं ताकि इंपॉर्टेंट जगह है वो। और चीन द्वारा आधारहीन क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को प्रतिस्पर्धित करने के लिए अमेरिकी रक्षा बजट में अतिरिक्त 2.2 बिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया है। इसको बैलेंस करो, बहुत बिगड़ा हुआ है, सुधार देंगे हम। चलो और भी देखो बेटा, लास्ट टॉपिक है, इसको भी पढ़ के खत्म कर देते हैं। छोटा सा खूबसूरत सा टॉपिक है, हिमालयन ग्रिफन गीत, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है।
चलो बेटा सब पढ़ लो पढ़ लो, सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई होनी चाहिए। बस छोटा सा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, हिमालयन ग्रिफन गीत, देखते हैं क्या है, क्यों चर्चा में है, इस पर भी हम पढ़ के कहानी खत्म कर देते हैं इसके लिए। हाल ही में हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला सबसे बड़ा और एक दुर्लभ जो पक्षी है जिसका नाम है, वह हिमालय में पाया जाने वाला है, क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्र में सबसे बड़ा है और एक दुर्लभ भी पक्षी हिमालयन ग्रिफन गीत पहली बार पॉइंट कैलिमर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य में देखा गया है, उत्तरी क्या। तो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी में इसको देखा गया है, तो इसीलिए थोड़ा चर्चा में है और इसी पे हम बात कर लेते हैं। क्या है, क्यों चर्चा में है, पेपर में हो सकता है पूछते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी वैसे भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कोरोना महामारी देख ही रहे हैं आप, तो इसको पढ़ लीजिए कि हाल ही में हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला सबसे बड़ा और एक दुर्लभ पक्षी हिमालयन ग्रिफन गिद्ध जो है पहली बार पॉइंट कैलिबर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य में देखा गया है। तो जब देखा गया है तो आगे बात कर लेते हैं। चलो देखा गया है तो क्या होगा इससे, इसके बारे में जानिए। हिमालयन जो ग्रिफन है अथवा जिप्स हिमालयंसिस एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कि पीले रंग का होता है कि लाल रंग का होता है कि किस रंग का होता है, कहाँ पाया जाता है, बड़ा आकार होता है, छोटा आकार होता है, दुर्लभ पक्षी होता है कि नहीं होता है, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो एकदम सिंपल है, सिंपल तरीके से पढ़ लीजिएगा, जैसे मैं गोरा हूँ कि काला हूँ, जब बूंद वही रहूंगा ना, और क्या रहूंगा, जो है मोटा हूं तो मोटा ही रहूंगा, पतला रहूंगा तो पतला ही रहूंगा, वैसे ही हिमालयन ग्रिफन जो है अथवा जिप्स हिमालयंसिस एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और हिमालय में यह काबुल से लेकर जो अफगानिस्तान की राजधानी है तिब्बत और भूटान तक ये पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यही बगल बगल में भी पाए जाते हैं, और इसके पंख काफी बड़े होते हैं, पंख बड़े होते हैं, विंग्स, पूंछ छोटी होती है, और इसकी गर्दन सफेद पीले रंग की होती है। बाज द बॉज इन डेंजर, ठीक है, बाज है, बर्ड है, डेंजर। इसके पंख काफी बड़े होते हैं और इसकी पूंछ छोटी होती है और इसकी गर्दन जो होती है सफेद पीले रंग की होती है, पढ़िएगा आप आराम से इसको। और देखो बेटा क्या क्या पढ़ना है इसमें, ये हिमालय में 1200 से लेके 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखे जा सकते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है उड़ेंगे ही ये, और ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं और हमेशा मरे हुए जानवरों को खाते हैं। बड़ा रोल है इसका बेटा, पेपर में आया था एक बार यूपीएससी में क्वेश्चंस गिद्ध को लेके, एक दवा थी, कोई कमेंट करके बता सकता है कि उस दवा का नाम क्या था जिस दवा का यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा था, गिद्धों के लिए समस्याएं पैदा हो रही थी, कोई बता सकता है उस दवा का नाम क्या है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट। तो ये जो, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ ये हिमालय में 1200 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई तक पर देखे जा सकते हैं, और ये गिद्ध जो होते हैं दिन के समय में सक्रिय होते हैं और मरे हुए जानवरों को खाते हैं और कभी भी स्वयं शिकार नहीं करते हैं। अच्छा जी, इतना भौगोल है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जिसे कहते हैं, इसकी रेड लिस्ट में इस गिद्ध को संकटापन्न मतलब नियर थ्रेटनेड या एंटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो लाल डेटा रेड डेटा लिस्ट जारी किया जाता है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, वो किसके द्वारा दिया गया जाता है, USGA के द्वारा जारी किया जाता है, और इस गिद्ध को जो हमारा गिद्ध है हिमालयन ग्रिफन गिद्ध है इसको संकटापन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, यहां से ये भी क्वेश्चन बन गया आपको, और इस पक्षी को पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य में देखा जाना एक विचित्र घटना है। अच्छा जी, क्योंकि यह सामान्यतः ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी नीचे लोग आते हैं ऊपर से, ये पाए जाते हैं, ये पाए गए हैं, जिसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, ठीक है बेटा, क्वेश्चन जब मिल गए हैं तो आराम से पढ़िए, मजे लीजिए इसके। 1 मिनट जो बेटा, 1 मिनट बस, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बेटा बस, ठीक है, चलिए। तो ये भी देख लीजिएगा, और भी देखिए आयुष, और भी देखो भारत में गिद्ध संरक्षण के क्या प्रयास हुए हैं, ये भी देखो। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना जो है 20 और 25 को मंजूरी दी है, जिसके तहत गिद्धों के लिए जहर बन रही मवेशियों के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाओं को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
हुआ यह था कि बहुत सारे ऐसी दवाई यूज की जा रही थी जो गिद्धों के लिए बड़ी समस्या हो जा रही थी, जहर बन रही थी, और मवेशियों के इलाज में प्रयोग की जाने वाली जो दवा थी उसका यूज किया जा रहा था, जिसे ड्रग कंट्रोलर साहब जो थे उनके द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया था। और इस कार्य योजना में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो गिद्धों के हानिकारक जो दवाएं थी, जो केमिकल्स थे, जो जहर बना रही थी, जो मवेशियों के लिए इलाज में प्रयोग करने वाली जो दवा थी, जाहिर सी बात है गिद्धों पर इफेक्ट पड़ रहा था, जिसके लिए सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया और भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और इस योजना में हमारी उत्तर प्रदेश की भी सरकार है, हमारी त्रिपुरा की भी सरकार है, महाराष्ट्र की भी है, कर्नाटक की भी है, और तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो देख लीजिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और देखिए हिमालयन ग्रिफन गिद्ध, भारत में गिद्ध संरक्षण के क्या प्रयास हैं। देख लीजिए गांधीनगर जो है गुजरात में पड़ता है, आयोजित सीएमएस COP 13 में गिद्ध बहु प्रजाति कार्य योजना की पहली रणनीति भी शुरू की गई है। ठीक है, गांधीनगर जो गुजरात में पड़ता है उसमें सीएमएस COP 13 की जो बैठक हुई थी उसमें गिद्ध बहु प्रजाति कार्य योजना की पहली रणनीति शुरू की गई है। और इसमें निम्नलिखित बिंदु है जो है इस प्रकार है कि अनजाने विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जाए, नॉन स्टराइल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के कारण मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जाए, और इसके द्वारा गिद्ध के अंगों के व्यापार में भी रोक लगाना इसका काम। यानी कि COP 13 की जो बैठक हुई थी उसमें रणनीति पर चर्चा हुई थी, उस रणनीति के चर्चा में जो मुख्य विषय यही थे कि जो भी अनजाने विषाक्त जो पदार्थ है, जैसे अभी देखा ना मवेशियों के लिए यूज करने वाली जो दवाई थी जो मैंने बताया आपको, तो जो भी विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली अगर कोई मृत्यु दर हो उसको कम करने का प्रयास किया जाए, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं के कारण जो मृत्यु को दर को कम करने का प्रयास किया जाए, इसके साथ साथ गिद्ध के अंगों के व्यापार में रोक लगाना भी इसका काम था। ठीक है, तो ये गिद्ध संरक्षण के प्रयास किए गए, इसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए COP 13 2020 देख रहे हैं ना आप लोग, गांधीनगर गुजरात जाके सीएम कौन है कमेंट करके आप हमको बताइए, वहां के राज्यपाल कौन है ये भी बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, इस रणनीति का और भी मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, जैसे कि शिकारियों द्वारा किए जाने वाले जहर के उपयोग को प्रतिबंधित करना, इसके साथ ही साथ सभी सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक गिद्ध संकट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय गिद्ध टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। भाई सबके लिए समस्या है। ठीक है, गिद्ध क्या खाते हैं पता है ना, हाँ? वही लोग नहीं खा पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बर्ड इन बाज द वर्ल्ड इन डेंजर। और 2029 में इस गिद्ध बहुत प्रजाति कार्य योजना के मूल्यांकन का रिपोर्ट जारी करना भी, ये भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। और भी देखिए पॉइंट कैलिमर वन जीव अभयारण्य के बारे में जानिए कि क्या है, कहाँ पर है, कहाँ पर पाए गए, कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका पॉइंट कैलिमर वन जीव अभयारण्य जो है वो तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है, तमिलनाडु में है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कहाँ पर पाया गया, वो जगह का नाम बताइए, किस जिले में पड़ता है। ठीक है, नागपट्टनम जिले में पड़ता है, तमिलनाडु में। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट कलिमर के पास ही पाक जल मरुस्थल है, ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और भारत की स्थानीय प्रजाति ब्लैक बक एंटीलोप के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कलिमर वन जीव अभयारण्य बनाया गया था, ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पॉइंट कलिमर जब पढ़ ही रहे हैं तो तमिलनाडु में स्थित है, नागपट्टनम जिले में स्थित है, ये पॉइंट कलिमर के पास ही पाक जल मरुस्थल है। और आप बताइए कि पाक जल मरुस्थल किसको किसको अलग करता है, बता सकता है, पेपर में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, कमेंट करो पता चले। और भारत की जो स्थानिक प्रजाति है ब्लैक बक एंटीलोप के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था। और ब्लैक बक के अलावा अभयारण्य के अन्य जानवरों में चीनीदार हिरण भी है वहां पे, सियार भी है, मुनट बंदर है, जंगली सुअर है, छोटे छोटे टट वाले फल बल्ले, छोटे छोटे भारतीय कैवेट हैं, कामन मोंगोज हैं, ब्लैक पेड हरे हैं, फॉरन पोपी मोंटियर छिपकली और स्टार कछुआ आदि सभी वहां पे मिलते हैं। ठीक है, ब्लैक बक के अलावा ये अभयारण्य में और भी चीजें पाई जाती है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कब बनाया गया था, 67 में बनाया गया था, नागपट्टनम जिले में है, तमिलनाडु में है, पाक जल मरुस्थल को अलग भी ये करता है पॉइंट कैलिमर जो है कि पास ही जो पाक जल मरुस्थल स्थित है, और पाक जल मरुस्थल किसको किसको अलग करता है कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी चीजें मैं पढ़ाया हूँ जबरदस्त आज पढ़ाई हुई होगी,
ध्यान से पढ़िएगा, इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा, बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है आपका। इसी को देखते हुए मैंने ये सब चीजों को आप लोगों को रिकॉल कराया, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाए आपको, सिक्योरिटी के भी कुछ टॉपिक पढ़ाए गए, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पढ़ाया गया, गोकुल मिशन को भी लेके मैं चला हूँ आज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी लेके चला हूँ, तो सारे टॉपिक्स लिए गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे खास फोकस किया गया है। तो चैनल को, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, t.me.prinjaiswal के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, इस लिंक पे सब कुछ मिलेगा आपको, क्लास का टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा इस टेलीग्राम के लिंक पे। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं, BJ01, ठीक है, BJ01, ठीक है, कोड यूज कीजिए, 10% ऊपर पाइए, और ये जो अनअकैडमी प्रिंसिपल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, लिंक से जुड़िए, और जब भी क्लास होगी मेरी आपको इस पे अपडेट कर दूंगा, चाहे अनअकैडमी के ऐप पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और जब भी क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लिया करो बेटा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब हम क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, आप लोग भी पढ़ के मजे आए होंगे आपको भी, और मुझे भी पढ़ा के बहुत मजे आए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग सभी लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद कि इतने देर तक आप लोग टिके रहे हैं और पढ़े मन से आप लोगों ने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू।